शुरू हो जाते हैं मालिक। सिंगी और रेड के बीच में जंग शुरू हो चुकी है मालिक। ए, इस इलाके से कोई जिंदा नहीं जाना चाहिए, मारो सबको, पकड़ो। उस शख्स को देख रहे हो ना, सफेद शर्ट वाला, उसका नाम सारथी है। जो भी जुर्म यहाँ करता है उसको सजा देता है और उसको तड़ी पार कर देता है। यहाँ से एक को भी जिंदा नहीं जाने देना। उधर की नदियाँ बहनी चाहिए। जो शख्स शर्ट बटन खोल कर बनियान में आ रहा है उसका नाम छोटा भाई है, और वो जो वायलेट कलर के बनियान में है उसका नाम मुरली है, और लाल रंग की जो शर्ट में है उसका नाम रघु है। ये जो भी है वो चार उंगलियां है, अंगूठा कौन है पता है? अभी पता चल जाएगा। आप देखोगे जो शख्स आ रहा है वो बर्फ का पहाड़ है। बर्फ का पहाड़? और वो शख्स
गौर से सुनो। माटुंगा, दादर, अरावी, कुमरा, चिंचपोकली, घाटकोपर, खांडूर, प्यारी रोड, मीरा रोड, कलवा, कल्याण, कोमटवाड़ी, पठानवाड़ी, तिलक नगर, इज्जत नगर, देवनगर, इटवाला, तेलगु, खाकड़वाड़ी, त्रिपुरा, बंदरवाड़ा, भाईकला, कमाठीपुरा, ग्रैंड रोड। इस एरिया के सभी लोगों को कह दो कि एक कदम भी रखने का नहीं इधर, और अगर आया तो यह रेड आग नहीं अंगार है, जला कर रख देगा, खाक कर देगा। अच्छा, आप पहले मुझे एक बात बताओ, आपको बालकनी से माँ लक्ष्मी का मंदिर दिखेगा या सिद्धि विनायक का मंदिर दिखेगा? ज्यादा से ज्यादा एक बुढ़िया चने बेचती नजर आएगी, सच कह रहा हूँ। अच्छा रहेगा क्या? लेकर खाना की ख्वाहिश है, एक भी चने का दाना हलक में डालना मर जाओगे। हाँ। एक सोने का खजाना नजर आ रहा है भाई। सुबह से मैंने बाजार में पता किया है, तुम्हारा ये रेड अच्छे लोगों के लिए राम जैसा है और बुरे लोगों के लिए रावण। पुराने मोहल्ले में सब यही कह रहे हैं। अरे बोलना ही पड़ेगा। निशाना लगाने में अर्जुन, काम करने में कर्ण, शांत स्वभाव में धर्म, उपदेश देने में कृष्ण है, और यही सब मिला के रेड है। तुम्हें कैसे पता वो अच्छा है? इस इलाके में सारे यतीमों का रेड ही सहारा है, वो सबकी हिफाजत करता है। मालिक, सरकार नारे लगाती है कि गांव वालों को चावल दिया और कंबल भी दिया, हमारे रेड के साथ आप भी ना आकर खड़े हो जाओ मालिक। मालिक वो अपनी जान भी दे देगा सर। मेरे प्रिय लेखक आनंद जी, मैं एक कहानी लिखने वाला हूँ जो हकीकत है, जिसमें हमारे हीरो का नाम है आदि। उसके साथ रहने वाले लोगों का माँ बाप वही है, उसके लिए धर्मशाला ही सब कुछ है। मेहरबानी करके मेरे सारे पाठक इसे जरूर पढ़ें। आदि के बारे में जानना बहुत जरूरी है, पर ये कहाँ और क्यों हो रहा है इसे जानने की कोशिश ना करें, पर कहानी पढ़िएगा जरूर। सुनो, हम कहाँ हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और ये खत 4-5 जगह बदल कर जाना चाहिए, और जब तक हमारी कहानी खत्म नहीं होती किसी को फोन भी मत करना, अपने जहन में बिठा लो। सर सुना है मनी मेगन फिर से कहानी लिख रहे हैं? कहानी नहीं, वो सब हकीकत लिख रहे हैं। कहानी का नाम क्या है? आदि। लगता है मनी मेघन जी पागल हो गए हैं, एक मवाली के बारे में लिख रहे हैं। पागल हो गई हो? हर इंसान का ख्वाब होता है कि उनके बच्चे बिना मुश्किल के पढ़ें। जो भी डोनेशन मांग रहा है उनसे लड़कर उसने बच्चों को मुफ्त में दाखिला करवाया, वो महान है। बोलिए। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, हम माँ बाप से डोनेशन इसलिए लेते हैं ताकि स्कूल में 4 स्विमिंग पूल बन सके, बच्चों के आने जाने के लिए एसी बस का इंतजाम हो जाए। ये सब आप नहीं समझेंगे तो कैसे होगा? तो फिर चाहते हो कि मैं समझ जाऊं? कलेक्टर के बेटे डॉक्टर के बेटे के पढ़ने वाली जगह पर रिक्शे वाले मजदूरी करने वाले की बेटी की पढ़ाई के बारे में सोचो तो तुमको ना समझी ही लगेगी। 5,000-10,000 लेने की जगह आप 50,000-1,00,000 ले रहे हैं, तो फिर ये गरीब और मजदूर लोग सड़क पर ही आ जाएंगे ना। मेरा उन लोगों की हिमायत करना गलत है क्या? आपके स्कूल में पढ़ाई के लिए 50,000 क्यों? बिना पैसों के हम इतना बड़ा स्कूल कैसे चलाएंगे बताइए? चला सकते हैं। 2 सोने की दुकान, 4 थिएटर, 1 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इस इलाके में तुम लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, इतना काफी है। जितने पैसे हैं उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो मैं देता हूँ, पर अगर पैसा ही पढ़ाई की वजह है तो मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। देखिए, पढ़ाई अब दूसरी दिशा में जा रही है, आपका इस एजुकेशन के बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल रेड सीधा करके सोचता है, R फॉर रेवोल्यूशन, E फॉर एजुकेशन, D फॉर डेवलपमेंट, ऐसा मैं सोचता हूँ। मुझे अंग्रेजी में सिर्फ ये 3 लफ्ज मालूम है। पढ़ाई की जगह पहुँचने के लिए मेहनत कर रही है सरस्वती, उनकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। महाराष्ट्र की हालत पढ़ाई में बिहार जैसी नहीं होनी चाहिए, केरला बननी चाहिए। गरीबी और पढ़ाई को जुदा नहीं करना चाहिए, भीख मांगकर भी पढ़ाई करनी चाहिए ऐसा मैं सोचता हूँ, पर जो पढ़ने आते हैं उनको भीख मांगना चाहिए ये आपकी सोच है। कागज बनवाने के लिए कुछ चाहिए तो अपना खून देना चाहिए ये ख्यालात है मेरे। तालीम के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए ऐसा सोचना है मेरा, और यही ख्याल रेड के जिस्म में दौड़ते हैं।
तो आखिर आपका फैसला क्या है? मैंने जो भी कहा उसे करने के लिए कहा। अगर ऐसा नहीं किया तो रेड, इसके साथ चैनल 2 में बात करो, सीट मांगो, वरना इसके शरीर से एक हिस्सा मांग लो। बड़ों ने कहा है कि जेल के पत्थर को भी रखकर पाठशाला बनाई जा सकती है, पर तुम्हारी बातों से लगता है कि ये पाठशाला के पत्थर से ही तुम्हारी समाधि बनानी पड़ेगी। बस ऐसा ख्याल आया। क्या तुम दादागिरी कर रहे हो? मैं सोचता हूँ जिसने 4 लफ्ज सिखाए उसके कदम धोकर पीना चाहिए। तुम लोग उस्ताद हो इसलिए इज्जत से बात कर रहा हूँ, समझे? लेकिन गरीबों की सिफारिश करने वाले तुम कौन हो? 100 करोड़ लोगों में एक आदमी, 8 करोड़ लोगों में पहला इंसान। रेड, रेड सबको वक्त देता है। अब ये देखो, जब तक घूमेगा तब तक तुम लोग फैसला कर सकते हो। जो आप कहेंगे वही होगा। भाई किया क्या? क्यों? सोन, अब तक क्यों नहीं हुआ? सोने का धंधा और कपड़े का धंधा ठप पड़ा है, कैसे करें? झूठ झूठ मत बोल। अंग्रेजों के जमाने से, दैट इज बिफोर 1947, जरा मेहरबानी करके टाउन हॉल रोड में एक छोटा सा गाला डालने की जगह दे दो जनाब। राजस्थान से सारे ऊंट बेचकर आया हूँ जनाब, मेहरबानी होगी। बस इतनी मेहरबानी कर दो जनाब, भीख मांगता हूँ, भला हो जाएगा जनाब। राजस्थान से सारे ऊंट बेच कर आया हूँ, रहम कीजिए साहब। लोगों के तलवे चाटने वाले, तुझे उस वक्त किसी ने 2 गज जमीन नहीं दी, मैंने दी थी। नहीं, रेड ने। रेड ने? अब से सिंगी को हफ्ता मत दो, ऐसा रेड ने बोला है। रेड ने कहा? उसने कहा, तू मान लिया? हाँ, जो भी कहेगा मान लेगा क्या? हाँ, अब रेड की जरूरत है, सिंधी की नहीं। सिंधी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ? रेड को फोन लगा, अभी मिलना है। फोन लगाना, मुंह क्या देख रहा है? क्या है ये सब? तूने सबको धमकी दे रखी है क्या? हाँ? सब तुम्हारा ही नाम लेता है। मैंने धमकी नहीं दी है, लोगों के दिल से तुम्हारा बस खौफ खत्म किया है। 4 बातें की, उन्होंने पैसे दे दिए। मैंने पूछा किस बात के, तो उन्होंने कहा छोटा सा तोहफा है। पैसे देने वाला असल में मामूल था। पैसा एक ही है ना? पैसा एक ही है। अगर मोहब्बत से पैसे दिए होते तो मैं जरूर हाँ कर देता, पर ये पता चलने के बाद कि तुमने धमका कर पैसे लिए हैं तो मैंने मना कर दिया। मुझे चाहिए मोहब्बत से मिले या नफरत से। ए, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। तू अभी बस एक छोटे से अड्डे से निकला है, समझा क्या? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, पुराने झाड़ के पत्ते हो, मिट्टी में दफन ना हो जाओ, यही सलाह देता हूँ। बहुत उम्दा बोलते हो। फिल्म में काम क्यों नहीं करते? हा? छोटे से थे, चाय बेचते थे, चाय पी लीजिए साहब। हकीकत भूल गया और हैसियत भी भूल गया? हा? उसी टाउन हॉल पर मैंने तुझे देखा है, 5 दे दो 10 दे दो भीख मांगते हुए। हकीकत बता रहा हूँ, याद है कि नहीं? ए, मुझे अपना काम करने दे। रॉबिनहुड बनता है? है कौन तू? है कौन? तूने जिन लोगों को तबाह किया था उनमें से एक मुझ पर यकीन करता है। यकीन करता है तो क्या बिगाड़ लेगा? उसके लिए जान भी हाजिर। सुन रेड, रईस शख्स का यकीन मत कर। कल मुझे सपोर्ट करते थे, आज तुझे कर रहे हैं, कल किसी और को करेंगे।
एक काम कर, मेरे साथ मिल जा, जो मिलेगा बांट लेंगे। नहीं जानेगा सिंधी, अपना ब्लड ग्रुप अलग अलग है, साथ हो भी गए तो जान चली जाएगी, तेरी भी और मेरी भी। ए रेड, उम्र बढ़ रही है, अपना ख्याल रखना। कब्र में पैर तेरे लटके हैं, थोड़ा नेक काम करना। खामोश, तू खामोश, समझा? ये लो तुम्हारे बाकी के 40। 100 दिए थे ना? सुनो सुनो, तो स्कूल और बाजार में लड़ाई करने की वजह से रेड के नाम पर पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है। क्या और जब कर तक उसको जमीन नहीं मिल जाती तब तक 4-5 दिन के लिए गुमशुदा रहना पड़ेगा, समझे तुम लोग? रेड गर्म करके ला। इतनी गर्म कॉफी रहेगी क्या? रेड के खिलाफ शिकायत करेगा। मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जज अच्छे इंसान है इसलिए तुम्हें देखते ही जमानत पर छोड़ दिया उन्होंने। ऐसा किसने कहा? मुझ पे पुलिस वालों ने शिकायत की थी, उसने वापस ले ली, इसलिए काम आसान हो गया। ठीक है, ये सब छोड़ो, दोबारा कोई खता नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँ? देखो ये मारपीट पंचायत करना बंद कर दो। अब मर जाएंगे सारे अच्छे लोग, मर जाएंगे सारे लोगों के लिए। तुम कोई फरिश्ते हो क्या? सही है मोहतरमा, वो लोग तो ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन हम तो यही कहते हैं। जिसे जो कहना है कहने दो, लेकिन ये कानून के खिलाफ है। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि मैं जो कर रहा हूँ सही है या गलत। देखो ऐसा नहीं है। वही ना, काफी है। मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। क्या नारा? अरे 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 अरे, वकीलों की ही नजर लग जाएगी, सारी नजर उतर जानी चाहिए। क्या नारायण, आप भी ना? वो जेल से आ रहे हैं ना। ठीक है, तुम घर जाने से पहले मंदिर होकर आना, तभी तुम्हें अकल आएगी। मंदिर? जाता। आप सबका अच्छा करते हो, लेकिन आपको सबको तो पीछे डाल दिया। बस अंदर रखकर कुछ वक्त के लिए देखना चाहते थे। मैं किसी की मर्जी के खिलाफ नहीं रुकता। बच्चे कैसे हैं? भाई ये 3 बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया, आप कहेंगे तो वो खाना खा लेंगे। रेड भाई आप ठीक है ना? पुलिस ने मारा क्या? किसने मारा बताइए ना भैया, भगवान से कहकर हम उन्हें भी मार खिलाएंगे। तुम तो हमारे लिए भगवान जैसे हो, हमें छोड़कर कभी मत जाना। आ,
हाँ बंद करो हाँ बस अभी आई सर ये बुक रेड को प्यार हो गया है। आपको कैसे पता? जेल से सीधा यतीम खाने चला गया पर वहां से गुलाब लेकर लौटा। उसके भारी दिल में अब प्यार जगने लगा है। अब से उसके किस्से में फूल कुछ ज्यादा होंगे। पुरुषोत्तम दारू वाला आया है। क्या है? आओ पुरुषोत्तम दारू वाले आओ। सलाम भाई, नागपाड़ा में जो शराब खाना है ना वो 60 लाख रुपए में लिया है। इलाके के जो इंस्पेक्टर साहब है ना वो 7 बजे दुकान बंद करने के लिए बोलते हैं। बहुत तकलीफ होती है बाबा। हाँ तो सही कह रहे हैं वो, बंद कर दो। आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? एक बोतल जब बिकती है तो 60 पैसे ही मिलते हैं। एक क्वार्टर लेकर 4 लोग पीते हैं और अभी तो मैंने सुना है बहुत सारे लोग शराब पीना छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा यकीन मानिए शराब पीने वालों को टॉर्च लेकर ढूंढना पड़ेगा। अगर दुकान 12 बजे तक खुली रहेगी तो मेरा बहुत फायदा हो जाएगा। फायदा तो तुम्हारा होगा, जनता का क्या? अगर आप कहें तो गाँव के 100 बच्चों की स्कूल फीस मैं भरता हूँ और 60 बच्चों की कॉलेज फीस भरता हूँ। धंधे की कसम, एक बच्चे को ऊंची तालीम दिलाऊंगा। तो 1 बजे बंद कर दो। गरीब डरते हैं तो पेट की वजह से, मगर तुम्हारे जैसे रईस डरे तो जब तक लाश बनोगे तब तक डरोगे। रेड है, डरो मत। रुको, नकली शराब बेचना, ज्यादा कीमत लगाकर बेचना मुझे पसंद नहीं है। जाओ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलो। दुरुस्त फरमाया तुमने। नमस्ते। कहिए। स्कूल का कंपाउंड बनवाना है, थोड़े पैसे की जरूरत थी, इसलिए हम आपके पास मुलाकात करने आए कि आप थोड़ी मदद कर देते। पैसे दो। उसके पास दे दे पैसे। हाँ। अरे दो ना, ये लीजिए। गिना नहीं है, गिन लीजिएगा, कम पड़े तो और दे दीजिएगा। फादर आप सब यहाँ पर मत आइए, यहाँ गंदगी है। कोई भी तकलीफ होगी याद कीजिएगा, मैं हाजिर हूँ। नमस्ते। हमारे पास जो रकम आती है थोड़ा बचा के रखते, ऐसे ही अगर सबको दे देंगे तो क्या बचेगा? समझ गया। आओ। क्या हुआ? मेरे पापा हर रोज किसी के घर जाकर बर्तन घिसकर 10 रुपए लाने के लिए कह रहे हैं। मैं पढ़ाई करूं या बर्तन घिसूं? पढ़ो, पढ़ लिखकर क्या बनोगी? कलेक्टर बनना चाहती हूं, पर हर रोज 10 रुपए मुझे कौन देगा? मैं दूंगा। कलेक्टर बनकर क्या करने वाली हूँ? मैं 20% नहीं, पूरे 50% मांगूंगी औरतों के लिए। पैसे जमा करो यही कहते हो ना? ऐसे 4 बच्चों को पढ़ाएंगे तो भी काफी है। मेरे पैसे 4 बैंक में नहीं रहने चाहिए, 4 लोगों के दिल में रहे यही काफी है। रेड, तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।
कोई पूछे तुम्हारा छोटा भाई कौन है तो मेरा नाम लेना, मैं हूं तुम्हारे साथ। मलाइका, ये क्या इतने दिनों बाद आए? मुझसे मिलने तो आ सकते थे ना? ऐसे कपड़े पहनकर घुमा करो, तुम्हें देखने आया करेंगे। अच्छा वैसे तेरी ड्रेस कौन सिलता है? उसको जूते उठाकर मारना चाहिए। यहाँ सब लोग शराब पीने के लिए नहीं आते हैं, कुछ मेरे दीदार के लिए भी आते हैं। ये एक पेड़ से या कई पेड़ से समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए कोई भी कपड़े पहनकर घूमोगे क्या? मेरे बाप की 3-3 बीवियां हैं और 11 लड़कियां, जैसे तैसे जिंदगी जीनी पड़ती है, और तुम की ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखा रहे हो। इसीलिए कुछ भी बोलेगा तो तुम रोगे क्या? भैया जरा जल्दी आना, सब मुस्कुराते हैं तो ही अच्छी लगती है, पर मलाइका रोते हुए भी हसीन लगती है, लगती है कि नहीं? बात मुस्कुराती रहे। रेड, क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या? जिसके लिए बोला था उसका पता चल गया। कौन? अरे गुलाब का फूल। किसकी बात कर रहे हैं? दिमाग पर थोड़ा जोर दो, याद पर जोर डालो। चना नारायण क्या? जब वो चना बेचने आता है तब वो बात करता है, पर वो अपने इलाके से बाहर रहता है ना, इसीलिए उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। हाँ, जहाँ वो रहता है ना वो इलाका थोड़ा सा गंदा है। झांसी रोड पर? झांसी रोड में क्या है? पता नहीं साहब। नारायण? रेड, क्या हुआ रेड? आज इस तरफ आए, कहो कोई तकलीफ है? कहो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। पापड़ वाले का हाथ है, मारूंगा तो आधा हो जाएगा। कहो क्या हुआ? तुम्हारा घर है? मजाक कर रहे हो, मेरा कहा घर है? वो कॉमेडी अनूप है ना, उसके अंदर ये चल रहा है, पूरे घर में यही धंधा होता है। पहले ये धंधा काफी ठंडा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ आजकल ये धंधा जोर शोर से चल रहा है। तो मुझे इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी? वो सिंधी के लिए तुमने जो इलाका छोड़ दिया था ना, उसमें से एक है। सिंधी और अप्पू दोनों एक जैसे है। मैं फिर तुमसे कहूँ कोई तकलीफ ना हो इसलिए। नहीं कहा, यही तकलीफ है। ये कोई तकलीफ है क्या? बोलना। पापा 100 रुपये दीजिए ना। मेरे पास 10 रुपये ही है, अभी तो कुछ धंधा भी नहीं हुआ। बैट का हैंडल बदलना है, जब भी मांगता हूँ तब नहीं है, नहीं है, दरिद्र हो गए हो। राधा कृष्णा, दरिद्र मत कहना, अपनी हैसियत ही नहीं है ना, पैसे नहीं है ना। ये कौन है? आपका दोस्त है? रेड है। तुम्हारे लिए होगा। रेड, उसे तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं पता, उसे यही लगता है कि उसका जन्म गावस्कर के घर में हुआ है। हमेशा डांटता रहता है, गरीब घर में पैदा हुआ है, डांटता है तो डांटने दो, आखिर मेरी चिता को वही आग देगा ना। गायत्री, गायत्री। हाँ पापा। जल्दी आओ बेटा, रेड आया है। ये रही, वो जो क्रिकेटर अभी गया ना, उसके 10 महीने के बाद ये पैदा हुई। गायत्री नाम रखा है, पर इसकी खूबसूरती देखकर अष्टलक्ष्मी नाम रखना चाहिए था। रेड, ऐसे क्या देख रहे हो? कसम से ये मेरी ही बेटी है। ज्यादा पढ़ी लिखी है ना बेटी, जानती हो कौन है रेड? बिना डिग्री का वकील, बिना पोस्टिंग का पुलिस। नारायण कुछ भी बोल रहे हो? मजाक कर रहा हूँ, हमारे धंधे में ऐसे ही कहते हैं। हमारे घर में हमेशा ऐसी आवाजें आती हैं। बगल में मंदिर है लेकिन हम लोग पूजा नहीं कर सकते। कभी कभी तो लगता है कि हम लोग गूंगे पैदा होते, बहरे पैदा होते तो बहुत बेहतर होता, कम से कम ये सब सुनना और देखना नहीं पड़ता। बेटी तुम भी ना, ये सब क्या लगा रखा है? तुम्हारे मुँह से ये सुनना मुझे गवारा नहीं। गाँव में सब क्या कहते हैं पता है? नारायण को कोई लड़की पैदा नहीं हुई, वो मंदिर से कोई सोने की मूर्ति चुरा कर लाया है। समझ में आया बेटी? क्यों नारायण, चना बेचना छोड़कर सोने की मूर्तियां बेचने लग गया क्या? ए, किराया कब देगा रे? क्या हुआ कुमड़ी, तुम्हें देखकर 15 दिन तो हुए। ए, कितनी दफा बोला है मैंने तुम्हें, मेरे हिसाब से महीने में सिर्फ 15 दिन होते हैं। ईमानदारी से पैसे दे दो वरना सोने की मूर्ति जैसी तुम्हारी 2 लड़कियां हैं।
बेहतर समझ में आ रहा होगा। नारायण नारायण, अब तुझे सबक सिखाना ही होगा। नारायण बेटी, कितने जुए हैं? नारायण हुजूर। क्या नारायण हुजूर? क्या हुजूर, ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुमड़ी जनाब, दो दिन में किराया दे दूंगा जनाब। पैसे किसने मांगे हैं? अब महीने में मेरे हिसाब से 60 दिन होते हैं। अच्छा नारायण, मैंने कुंडली देखी है, इधर की हुई गलती के लिए जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे तेल में भुनेंगे, जलाएंगे, बाद में पका देंगे। इस शरीर के लिए सब जरूरी है क्या? इसीलिए मैंने सब छोड़ दिया। ऐसे मामलों में अब क्या पढ़ना, इसीलिए अब अच्छे काम करने के बारे में सोचूंगा। अरे कुमड़ी जनाब, रुको जरा, पूरी बात कहकर तो जाओ। इन्हें क्या हुआ पता नहीं, ये बात तुम्हारे पल्ले पड़ी, घर का कोई किराया नहीं, मुफ्त में रहेंगे हम, ये। हरिओम। नमस्ते रेड, तुम्हारी वजह से ही घर में जो तकलीफें थी सब हल हो गई। सच कहूं तो अब मैं बहुत खुश हूं। प्रसाद खाइए। दाएं हाथ से लेते हैं, बाएं से नहीं। पांच उंगली में चोट आई है। मैं चलती हूँ। क्या हुआ भाई जी? 10 बजे मेरी बेटी की शादी इसी गांव में हो रही है। 10 बजे शादी है और आप अब दावत देने आए हैं? ऐसा नहीं है। तो क्या? अपनी बेटी की शादी में खेत बेचकर दहेज के लिए 1,00,000 रुपए लेकर आया था, ऑटो में वो पैसे चोरी हो गए। भाई जी, भाई जी, मैं नागपुर के रहने वाला हूँ, यहाँ मुंबई में मैं किसी को भी नहीं जानता। पुलिस स्टेशन में शिकायत करने के लिए गया तो कहने लगे कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। अब तुम्हें बताओ भाई मैं क्या करूं? अगर ये शादी नहीं हो पाई, इसकी वजह सिर्फ पैसा है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ भाई। लेकिन दुनिया मेरी बेटी के बारे में भला बुरा बोलेगी भाई। अगर मुझे आज पैसे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे रो मत। ऑटो में चढ़कर कहाँ उतरे थे? मैं माटुंगा में चढ़ा और कोलीवाड़ा में उतरा। ऑटो का भाड़ा 40 रुपए तक होगा, तुमने कितना दिया? 40 रुपए ही दिए थे। ऑटो का नंबर पता है? नहीं पता। दिखने में कैसा था? ठीक से देखा नहीं मैंने। तुमसे बात की? नहीं। पान पान पराग सिगरेट, इसमें से क्या खाया, क्या पिया? मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, आने वाले रास्ते पर ध्यान नहीं, ऑटो वाले पर भी तुम्हारा ध्यान नहीं, पैसे और जेवरात पर ध्यान नहीं, और ब्याह वक्त पर होना चाहिए। अच्छे वालिद हो तुम। तुम एक काम करो, यहाँ बैठकर खाना खाओ, पेड़ के नीचे सो जाओ, शाम होते ही पेड़ को फांसी लेकर मर जाना है। तो और क्या कहूँ मैं इन्हें? और कोई निशानी? आपकी एक तस्वीर थी। मतलब उसने चोरी नहीं की, तुमने खो दिया। मेरी तस्वीर रखने वाला 5-10 के लिए दुखी रहेगा और दूसरों के पैसे कभी नहीं चुराएगा। मुहूर्त बीतने से पहले तुम्हारा पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम तो दे दोगे रेड। हाँ। हम सबको इस बात का इल्म है। अब जाओ तुम। लेकिन उससे पहले हमारे आदमी चोर नहीं है, ये इस नागपुर वाले को बताओ अभी। हाँ रेड, हाँ। मुंबई में अगर कोई झगड़ा होता है तो वहाँ कानून भी तुम हो, क्राइम ब्रांच भी तुम हो। मुंबई वालों को यह बात पता है, नागपुर वालों को पता चलनी चाहिए। कुछ तो करो रेड। शहर में चलने वाला हर रिक्शा अगले 8 घंटों के अंदर मुझे इस मूर्ति के नीचे चाहिए। रेड के घर के सामने खड़े होने चाहिए। वैश्य सबके लिए हम सच्चाई परस्त, मदद करने वाले, ईमानदार, बचाने वाले, भरोसे वाले हैं, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। इसलिए जिसने भी पैसे लिए हैं तुरंत लौटा दो। hey, किसने लिया है जल्दी वापस कर दो। hey, सब लोग ध्यान से सुन लो, नागपुर वाले ने रिक्शे में पैसे छोड़ दिए, शायद तुमने नहीं लिया होगा। रेड को मालूम है
पैसे ऑटो में ही है, इसीलिए यकीन से यहाँ आए हैं। रेड को पैसे देने के लिए बोला है, इसीलिए तुम सब दे दो। सारथी भैया, ये तो कुछ भी बोलेंगे, इसकी बात पर हम पे शक मत करो। भैया अच्छा होगा जिसने भी पैसे लिए हैं आकर दे दो, अगर कल जरूरत पड़ेगी तो रेड ही आकर खड़ा होगा। आंटी आप क्या बोल रही हो, हर गाड़ी में रेड की फोटो है, किसकी जरूरत होगी चोरी करने की। भाई ये लो मैं आ गया, पैसे यहाँ है। भाई ये लो मैं आ गया भाई, कसम से मैंने चोरी नहीं की थी, ये रिक्शा में भूल गए थे, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, ये रहे पैसे, ये लो। तुम्हारा पैसा, तुम्हारे हाथ की लकीर का, तुम्हारे तकदीर का पैसा है, कोई छीन नहीं सकता, यकीन करो। भाई आपका एहसान पूरी जिंदगी भर याद रखूंगा। ठीक है चलो उठो। शुक्रिया भाई। ठीक है जाओ। ए, तुम लोग भी काम पर जाओ। लेकर जाओ। MH593397 मैं पांडे हूँ, बहुत होश में बोल रहा हूँ। मैटर तुम क्या करोगे, सुबह सुबह कांदी वाली बस स्टॉप पे जाओ। ठीक है मैं चला जाऊंगा। जब तुम बस स्टॉप पे जाओगे एक सुंदर लड़की मिलेगी, तुम चाहे जितना कहो वो नहीं मानेगी, पर तुम्हारा काम है कुछ भी कह के उसे अपनी गाड़ी में बैठाना। वो बोलेगी जबरदस्ती मत करो, बहुत चिल्लाएगी तो फिर कैसे बिठाऊंगा। अगर बीच में बोले ना तो यही ऑटो तुम पर चढ़ा दूंगा। ठीक है उसे बिठा लूंगा। गोरेगांव के पास ट्रैफिक कम होगा, वहां तुम्हारी गाड़ी बिगड़ जाएगी। नई गाड़ी है कैसे बिगड़ेगी। अगर गाड़ी नहीं बिगड़ी तो तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा। ठीक है गाड़ी खराब होकर खड़ी रहेगी। वो क्या हुआ कैसे हुआ ये सब पूछेगी, बिना कुछ जवाब दिए बल्ब को देखोगे। दिन के उजाले में बल्ब कैसे देखूंगा मैं। बल्ब को नहीं देखा ना तो तेरा फ्यूज उड़ जाएगा। ठीक है मैं देखूंगा। क्या हुआ कितनी देर लगा रहे हो। फिर मैं आऊंगा। तो मैं भी आऊंगा। ए, मैं उधर आऊंगा। तो उधर जा रहे हो। बेवकूफ इंजन आगे नहीं पीछे है, वहाँ क्या देख रहे हो। हा? आओ राजा आगे क्या, अच्छा हुआ मुझे इस लड़की से बचाओ। मोहतरमा गाड़ी खराब तो हो गई है। नहीं, नहीं नहीं बल्ब खराब है, गाड़ी नहीं चलेगी। भाई साहब मोहतरमा को कॉलेज मीटर बराबर चलता है। अच्छा जाओ जाओ लेकर जाओ, खुश रहो। ऑटो में क्या खराबी थी पता ही नहीं था, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। छे, मुझे इसकी हरकतें देख के लगता है कि इसका ऑटो का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। अपनी जुल्फों को सुखा लेती थोड़ा। अरे मैं जल्दी में थी, आपने देखा ऑटो वाले ने बदतमीजी से बात की मुझसे, मैं तो वहाँ बस का इंतजार कर रही थी। छोटी बिंदी की बजाय थोड़ी बड़ी बिंदी लगाई होती ना। बिल्कुल मधुबाला की तरह खूबसूरत लगती। मैंने कहा क्लास के लिए देर हो रही है, सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था, बस अपनी बकबक किए जा रहा था। पता है क्या कहा उसने, मुझे दुनिया की कोई खबर नहीं है। मैंने जो बोला वो आपने सुना क्या। हाँ सुना, यही कि मेरी जुल्फे गिली है, बालों में गजरे और माथे पे बिंदी लगानी चाहिए। अगर आप शेव करवा कर और सफेद रंग की कमीज पहनेंगे तो आप बहुत अच्छे दिखेंगे, सही कहा ना। और ये सब पहनकर मैं जाऊंगा कहाँ। पूजा में। पूजा में मेरे घर पर बहुत से लोग आ रहे हैं, आप भी जरूर आइएगा। मैं इंतजार करूंगी। नमस्कार। ये लो। ये क्या, ये मुझे क्यों दे रहे हो, कमरे में जाकर उसे दे दो। एक फंक्शन में जा रहा हूँ, इसे पूछा कि तोहफे में क्या लूं। इस लल्लू ने कहा साड़ी दे दो, लो ले जाकर गायत्री को दे दो। तुम ही दे दो ना। मैं दूंगा तो वो नहीं लेगी, आप बोलना मैं लेकर आया हूँ। ऐसा कहूंगा तो यकीन ही नहीं करेगी। जाओ तो सही। जाओ जाओ। Thank you.
मामी जान, मुझे बताओ आपके कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। मामा जान क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। कमाल करती हो मामी जान, 6 बच्चे कह रही और कहती मामा जान कुछ नहीं करते। अयो सुनो, उस लड़की को मैंने हर जगह देखा है। बिजली के खंभे को उखाड़ कर बैठी है। ऐसा लग रहा है जब देखो दुखी रहती है। ऐसा क्यों? कौन? वही जो बीच में रखा। वो मीरा है जिन्होंने कृष्ण से मोहब्बत की थी, उन्हीं का इंतजार कर रही है। प्यार किया? कितने दिन तक? कितने दिनों तक? पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी? कृष्ण के इंतजार में ही शायद मीरा को खुशी मिल रही है, लेकिन पता है उनके अंदर कृष्ण के लिए जो दर्द है उसे कोई नहीं समझता। वो सब छोड़ो, मोहब्बत में इंतजार करना मना है और इंतजार करवाना भी। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो इंतजार करने में और करवाने में दोनों में मजा है। हेलो मनी, आनंद बोल रहा हूँ। हाँ फरमाइए ना सर। वो आदि कहानी कैसी चल रही है? बहुत उम्दा साहब, 2.5 लाख कॉपी से ज्यादा बिक चुकी है। पर वो आपकी और मेरी तनख्वाह कम है तो इसलिए। ये क्या कह रहे हो सर? हफ्ते में, 1 हफ्ते में 3 लाख की कमाई हो रही है। 1.5 लाख आप रख लीजिए और 1.5 लाख मैं रख लेता हूँ। ऐसा हो सकता है? होगा क्यों नहीं सर। क्या आप भी उनके बैंक के खाते मैं देखता हूँ साहब, उन्हीं के जैसे दस्तखत करके काम कर दूंगा। कहानी खत्म होने से पहले ही हम दोनों अमीर हो जाएंगे। सर वो एक छोटी सी गुजारिश है, ये बात हम दोनों के बीच ही रहे तो अच्छा रहेगा सर, ताकि हम दोनों को तकलीफ ना हो सर। सही कहा ना सर? ये कैसी जुबानी है? वैसे तो ये मुझे माँ कहता है, शाम को जो मुंह में आए वो कहता है। अब आप ही बताओ भैया, अपनी माँ को कोई ऐसे कहता है भला? क्या रेड, घोटने पर बैठ। अब तुम ही बताओ बेटा, एक दिन जब इसकी तबीयत बिगड़ गई थी, मैंने इसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए, इसे गोद में उठाकर मंदिर मंदिर फिरती रही। आज ये मुझे देखकर ऐसी बातें करता है, कोई माँ से? रोज रोज शराब पीकर आता है। अरे एक दिन तू पीकर मर जाएगा पापी। सुना सुना क्या? इसे कहते हैं माँ, नशे में धूत घूमता है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जा, लेकिन कभी सुकून की जिंदगी नहीं जी पाएगा। जान ले, तू अपने आप को समझता क्या है? अरे बेटा इसे मत मारो, बख्श दो इसे। अगर मैं मर गई तो तू ही मुझे कंधा देना बेटा। देखो माँ, तुम्हारा नाम दुर्गा माँ है, फिर क्यों रो रही हो? तू क्यों रुलाता है इसे? माफ कर दो रेड, ऐसी खता दोबारा नहीं होगी मुझसे। सुधर गया, आगे से ऐसा नहीं करेगा। ये लो देखो तो सही। चल अब तो तू मुस्कुरा दे माँ, अगर नहीं मुस्कुराई तो कल से खाना खाने नहीं आऊंगा यहाँ पर। जाना तू भी। चल खा। अरे खाना। क्या बेटी, 102 फॉरेनहाइट है, तुम इतना लेट क्यों आई यहाँ पर? डॉक्टर, मुझे लगा दवा देने से बुखार उतर जाएगा। क्या बेटी, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद ऐसी हरकतें करती हो? माफ कर दीजिए डॉक्टर, ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि खर्चा ज्यादा होगा ना। देखो बेटी गायत्री, मैं तुम्हें भी अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, ऐसी बात मत सोचो बेटा। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर। घबराओ मत गायत्री, सिर्फ 2 दिन में ही इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर। सर क्या बात कर रहे हैं आप? कमाने का तरीका बता रहा हूँ। गायत्री की बहन लक्ष्मी की किडनी को एमपी की बेटी को लगाने का फैसला मैंने कर लिया है। सर वो लड़की आप पे यकीन करके? और कोई रास्ता नहीं है, 7 करोड़ का बैंक लोन दिलाने की बात कर रहे हैं वो, पैसों की जरूरत है। छोटी बातों से हॉस्पिटल बड़े लेवल पर नहीं जाते। सर वो आपकी बेटी की दोस्त की बहन है और किसी की? पागलों की तरह बात मत करो, एमपी की बेटी की हालत सीरियस है, आज रात को ही ये काम करना होगा। गायत्री को 500,000 देकर उसका मुंह बंद करवा देंगे। आज शाम 6 बजे ऑपरेशन का इंतजाम करो। चलो 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 चलो
निकलो 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 चलो 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 निकल चल खाली करो रेड करने वाला नहीं है, इसलिए 30 सालों से हॉस्पिटल में ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई। अब तुम्हें क्या हो गया? एक साथ इतने मवाली हॉस्पिटल में आके इतना शोर शराबा करने की क्या जरूरत? मवाली कहीं के हाँ, ऐसे लोगों को पकड़ के ना सलाखों को पीछे डालना चाहिए, अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या हुआ गायत्री, इतना चिल्लाने की क्या वजह है? चिल्ला नहीं रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। किसकी? वही जो अपने आप को बहुत बड़ा मवाली समझता है। ओह रेड, मैं तो अपनी बहन को लेकर मानिक अंकल के पास हॉस्पिटल लेकर गई थी, यकायक रेड वहाँ पर आकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करती। बहुत अच्छा है, वो जो डॉक्टर है ना वो बहुत ही नालायक किस्म का है। तुमने लक्ष्मी को वहाँ ले जाकर गलती की, मैं रहता तो उसे जमीन में गाड़ देता। उसी ने कुछ न कुछ खता की होगी, इसलिए उसने हॉस्पिटल की मरम्मत की। एक बात जहन में डाल दो, अपना रेड है ना कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है। आप उसका इतना साथ मत दीजिए, आपकी मोहब्बत ने उसे आसमान पे चढ़ा रखा है। सिर्फ मैंने नहीं पूरे गांव ने, और तुम्हारा क्या? पूरा हफ्ता उसी के बारे में कहती रही, कल ही तो कहा था तुमने वो बहुत नेक है। आज कह रही हूँ बहुत बुरा है, कल फिर कहोगी कि वो बहुत नेक। हरगिज़ नहीं गायत्री, वो अपने परिवार की थोड़ी नहीं बहुत फिक्र उसे करता है। अहमियत देने की जरूरत नहीं है, उससे सिर्फ बात करिए, उसकी खैरियत लीजिए और यहाँ से दफा करिए। गायत्री बेटा, आप मेहनत करके पैसे कमा सकते हैं तो वो नहीं कमा सकता, गलत कह रही हूँ क्या? मेरी बात सुनो बेटी, हर किसी की तरक्की के लिए खुदा किसी न किसी को जरिया बनाकर भेजता है। अपने परिवार की तरक्की के लिए खुदा ने यकीनन रेड को ही चुना। बिल्कुल नहीं, अगर आपको लगता है कि रेड हमारा कल है तो आप गलत सोच रहे हैं, वो हमारा कोई नहीं है। भाई स्टेशन चलोगे? नहीं मूड नहीं है। मैं 50 रुपए दूंगा। पूर्णिमा का आदि को लेकर नजरिया गलत है। ये पूर्णिमा कौन है? अरे पगले, पूर्णिमा आदि को नहीं जानता, ले ले किताब और पढ़, जा जा। क्या हुआ, तुम क्यों शराब पी रहे हो? देखो रेड, अगर तुम्हें कोई गलत समझ ले तो खत्म कर दूंगा उसे। अगर मैं उसे खत्म नहीं कर सका तो दूर से ही पत्थर फेंक के भाग जाऊंगा, लेकिन आज पहली बार किसी की डांट सुनकर आया। किसकी?
मेरी बेटी गायत्री। तुम्हें डांटा? नहीं नहीं डांटा नहीं मुझे, तुमने कोई हॉस्पिटल तोड़ा ना। कौन सा हॉस्पिटल? चलो जाने दो, तुम रोज किसी न किसी को मारते हो इसलिए भूल जाते हो किसे मारते हो किस लिए मारते हो। अभी भूल गए ना कौन सा हॉस्पिटल। अच्छा वो गलती किया इसलिए मारा उसे, इसमें कुछ गलत है क्या? क्या गलत सही मैंने पूछा? जिंदा दफना तो फर्क नहीं पड़ता, पहले नॉर्मल डिलीवरी करते थे लेकिन अब पेट काट कर सीजरिंग करके पैसा लूटते हैं। ऐसे जालिम बहुत है, कल से शुरू करते हैं, कल अमावस्या है, शुरू किया तो पूर्णिमा तक काम हो जाएगा। देखो तुम नेक हो या गुनाहगार वो समझती नहीं है, इसलिए मुझे तकलीफ होती है। समझेगी। ये कितने का है? ओरे 50 रुपए का। 50 रुपए? अरब देश से लाए हुआ नारियल है, 1 पैसा भी कम नहीं होगा। आप सब लेकर जाओ, 5 पैसे भी मत देना, सब लेकर जाओ। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है रे। ले लो, सब अपने ही बंदे। ले लिया। आज हमारे इलाके के मंदिर में कैसे? बिल्कुल नहीं, मैं आपके इलाके में नहीं आई हूँ, मंदिर आई हूँ। अरे इतना तेज बोलोगी तो कैसे चलेगा? वैसे भी शुरू से ऐसा ही चल रहा है। चलो खातिरदारी का मौका तो दो, टी कॉफी सोडा ठंडा। चलो मुझे पसंद इसमें से कुछ पसंद नहीं है या फिर जो बोल रहा है वो पसंद नहीं है। आदि को ठीक तरह से मोहब्बत का इजहार करना नहीं आता, पसंद है क्या कहने पर वो खुश हो बैठा। उसे समझ में आया ही नहीं तो समझने तक पीछा करता रहेगा। अच्छा है कि आदि ने पूर्णिमा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। तुम्हें क्या लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे? पढ़ी लिखी लड़की है ना, समझ लेगी। गुलाब का फूल देखकर चंगेज खान की तरह आई लव यू बोले तो आज की लड़कियां ही प्यार को समझती हैं, समझे? मुझे यकीन है वो अगले मुलाकात में अपनी मोहब्बत का इजहार करके ही आएगा। पेपर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व। बेटा प्रसाद ले लो। प्रसाद है? कहाँ का प्रसाद? तिरुपति कुंदन का प्रसाद है। मैथ में अच्छे अंक मिलेंगे, हिंदी में भी लिखोगी, पास हो जाओगी ऊपर वाले की कृपा से। ए गायत्री आज सब कुछ अलग ही हो रहा है। समझ नहीं पा रहा हूँ, सांस रुक रही है मेरी। क्या? ये प्रसाद बालाजी के मंदिर का है, ये खाकर पेपर लिखोगी तो पूरी तरह से पास हो जाओगी। क्या है ये प्रसाद? अब समझ में आया। तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो? ये सब आपकी हरकत है ना? चलो कुछ बात करनी है। मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पा रही हूँ। उस दिन मंदिर में मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। तुम उससे खफा हो गया? क्या कहा? सभी कहते हैं आप गुंडागर्दी करते हो, तो आपको गुस्सा नहीं आता? सुबह सुबह अखबार देखो तो किसी को गोली मार दी, कोई जेल चला गया, बस यही सब खबर है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम नेक इंसान बनकर रहो, मुझे बहुत खुशी होगी। रेड, राधा कृष्णन वहां बैठा है, शाम से शराब पी रहा है, यहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। नमस्ते जी। ए रेड, आओ रेड। कितने दिनों से आदत लगी? अभी 2 दिनों से। किसी से मोहब्बत हो गई क्या? बराबर बोला रे, बैट बॉल स्टंप इन सब से प्यार करता हूँ। अगर उन चीजों से मोहब्बत है तो एक नहीं 4-5 ले ले, ऐसे क्यों पी रहा है? जिंदगी खराब हो गई रेड, इसलिए पी रहा हूँ। रणजी ट्रॉफी मैच मैं नहीं खेल रहा और 2 दिन बाद मैच होने वाला है, और वैसे भी मैं 30 साल का हो गया, इसमें भी नहीं खेल पाया तो मेरी जिंदगी खत्म रह गई। आने वाली 15 तारीख को मेरे घर आ जाना, मैं मरा मिलूंगा रेड, मुझे बैट स्टंप के साथ जला देना रेड, तुम्हारा खर्चा होगा, बहुत खर्चा होगा रेड, मैं मर जाऊंगा रेड। हाय, फोन दो ना। नंबर क्या है? 18 36 52 56 27 54।
अरे आराम से करना। हेलो, तुम्हारा नाम छटा क्षत्रिय है क्या? ये नाम क्यों दिया तुम्हें? वो मैं अपने घर की छठी औलाद हूँ ना, इसलिए मेरा नाम छटा क्षत्रिय है। कैसा लगा? क्या कैसा लगा? अगर 9वें नंबर पे पैदा होता तो कौन बनेगा करोड़पति में भी ऐसा सवाल नहीं पूछते। ऐसे सुकून में कैसे सो सकता है? तेरे किचन में गैस लीक हो रहा है, बंद करके सो जा। अरे सुनो, गैस लीक हो रही है। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, सो जाओ ना। अरे भगवान, वो गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, किचन की गैस लीक हो रही है। तुम्हारा बेटा जो वॉकमैन सुन रहा है उसे बंद किए बिना सो जा। सिलेंडर को बंद नहीं किया तो फटेगा, वॉकमैन को बंद किया तो फटेगा। सिलेंडर बंद किया? सिलेंडर बंद कर दिया। जरा वो देखो, तुम्हारा बेटा माइकल जैक्सन कितना झूम रहा है। अच्छा सुनो, उसका वॉकमैन बंद नहीं होना चाहिए, सुबह तक उसकी रनिंग चालू रहनी चाहिए, वरना वो बंद हो जाएगा और मेरा क्या होगा। नाम राधा कृष्ण है, उसे क्रिकेट टीम में शामिल कर लो। क्या कहते हैं उसे? जी वो कंजी कॉपी, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका दो, नहीं हुआ तो होना ही चाहिए, वरना छोटा छतरी को और छोटा कर दूंगा। अरे अपना काम चालू कर। सुनो कृष्णा, जनाब तुमसे मिलना चाहते हैं। बेटा, रणजी ट्रॉफी में 11वें खिलाड़ी तुम हो। हाँ, अरे वाह। सर आप सच कह रहे हैं, पर मेरे बदले में सनी बॉल को ले लिया था ना सर। अरे उस फनी बॉल को छोड़ो, कैप्टन को मैंने 12वां खिलाड़ी बना दिया है, मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। ये लो इन कागजों पर दस्तखत कर दो, ये लो करो। जी राधा कृष्णा, इसके लिए इनकार मत करना, वरना हम बम की तरह फट जाएंगे। जनाब जनाब, ये आप यहाँ कब आए? अभी आया। अच्छा खाने में क्या है? टमाटर की चटनी, बीन्स की सब्जी, बीन्स की भाजी, टमाटर की चटनी और क्या? सांभर। सांभर भी बनाई है, चटनी भी बनाई है। अच्छा वो सब नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? ये मच्छी को फ्राई करो ना। ची ची ची, ची। पता है इतनी इतनी बड़ी मच्छी लेकर आया, ची 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 ची, और मुझसे मुझसे कह रहा है कि फ्राई करके दे दो। उसे फ्राई कर दो ना। दांत तोड़ दूंगी मैं, फ्राई करके दूंगी, जा तू ही दे। ची ची, मुझसे ये सब नहीं होगा। कमिश्नर साहब, रेड का सपोर्ट करने वाले कुछ मजदूर हैं, कुछ चाय वाले हैं, ऐसे ही लोग हैं। आप एक काम कीजिए, उनको उठा के फेंक दीजिए, ठीक है? ज्वाला भाई, हमारी दुकान हटाकर वहाँ बस स्टॉप बनाने जा रहे हैं, हमने पूछा तो कह रहे हैं कि हम कुछ भी करेंगे, हमारा क्या होगा भाई, हम कहाँ जाएंगे? मदद करो भाई। भाई चाय की दुकान वाला कबाड़े वाले सबने कब्जा कर रखा है, ऐसा बोलकर उन्होंने मामला दर्ज किया है भाई, कुछ मदद करो भाई। पुलिस से जिन्होंने मार खाया, दुकान खाली किया, जेल में चले गए, वो सब तुम्हारा इनाम ले रहे बेटा, वो सब तुम्हारा इनाम ले रहे बेटा। रण, सिद्धि विनायक मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर के पास से फूल वाले को मार के भगा रहे हैं, ऐसे सब गलत काम कर करके हम सब भले आदमी को भगा रहे हैं, मेरा खून खोल रहा है रेड। उसने प्रेशर में आकर ये हरकत की है, कमिश्नर को सबक सिखाओ, वो ही ऐसा कर रहा है। जो छूने की कोशिश करेगा उसकी जिंदगी छीन लूंगा। करना ही होगा भाई। You have to be very alert. Understand, yes, sir. Please go. Please. वर्दी में जांच रहे हो, भाषण भी अच्छा करते हो, हाँ? हाँ, पता है? मिनिस्टर से मैंने ही कहा था कि रविंद्र पाटिल ही चाहिए यहाँ पर, हाँ? तो मैं अब 6 महीने हो गए हैं, मेरा काम करते रहना, हाँ? ये बात नहीं सर, आपका मसला बहुत बिगड़ गया है। रेड का जिसने भी साथ दिया उसे अंदर कर दिया, सुबह से कोई खाना नहीं खा रहा है, ऊपर से खुदकुशी की धमकी, इसलिए भेजा घूम रखा है। रेड जो है ना फुसकी बम है। जब भूख लगेगी ना खुद खाना मांगेंगे, फिक्र मत करो। नो, हम ऐसा नहीं सोच सकते। तो क्या सोच सकते हो? रेड को बुलाकर बात करनी होगी। सुनो पाटिल, कुछ लोगों को सरमार की जुबान समझ आती है, हा? हाँ कर लो बात,
कर लो बात हा? उसके बाद मुझसे आकर मिलना हा? पूरे शहर में आग लगी है, पता है ना? जलाया तो आपने है ना? आई नेवर से दैट। कानून को कायम करना है, कुछ भी कदम उठाया गलत है क्या? आपकी वजह से गरीब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बीच सड़क पर होटल चलाते हैं, फूल बेचते हैं, भाजी बेचते हैं, उससे आवाम को कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। रास्ते में खाना बेचने वाला, फूल भाजी बेचने वाला, ये आवाम है। 100 करोड़ लोग लड़कर ही जी सकते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? धंधे को खत्म मत करो, झूठा केस मत बनाओ। कहां पर दुकान चलानी चाहिए, कहां पर धंधा चलाना चाहिए, इसके लिए एक रूल होता है। आपके रूल के हिसाब से 1 लाख एडवांस देने का और ऊपर से 1000 रुपए भाड़े का। तो फिर बीच सड़क में गुंडागर्दी करेंगे, तुम इस मामले में मत पड़ो। क्यों, उनकी मदद तुम कर सकते हो ना? बैंक में जामिन से दस्तखत करके पैसा दो, वो धंधा करेंगे। हम सबके लिए दस्तखत करते बैठे हैं क्या? ये हमारा मसला नहीं है। तो उनके नसीब के साथ तुम कुछ मत करो, समझे? तुम्हें यहाँ फैसला सुनाने के लिए नहीं बुलाया, दिस इज कमिश्नर ऑफिस। इसलिए तहजीब से बात कर रहा हूँ। तुम क्यों नहीं बात करोगे? बोझा उठाने वाले, रिक्शा चलाने वाले सब तुम्हारे साथ जो हैं। हाँ, मेरे पीछे खड़े सारे लोग मेहनती हैं, सच बोलने वाले हैं, लोगों का भला करने की सोचने वाले हैं। गलती से भी जुर्म नहीं करते हैं ये लोग, दूसरे के पैसों की हवस नहीं है, धंधे में जान देने वाले, परेशानी में मुस्कुराने वाले। ये गरीब चोरी नहीं करते, अनपढ़ है पर ईमानदार है, ये जान लेना। ये सब जानने की जरूरत नहीं, इस फसाद की वजह तुम्हारे लोग हैं, ये साबित करने के लिए मैं कोई भी कदम उठा सकता। कदम 307 कत्ल का मसला 3 साल, आदमी को उठाना 363 7 साल, बलात्कार करना 376 10 साल, ऐसे कुछ भी मामला बनाकर आप लोग ही कागज तैयार करते हैं ना? ये आप करो या किसी और की बात मानकर करो, एक बात जहन में बैठा लो, आप जो तनख्वाह लेते हो वो बोरी उठाने वाले का पसीना, मजदूरी करने वाले की चीख, मेहनत करने वाले का खून है। इंसाफ करो। तुम जैसे लोगों पर केस करने के लिए कागज बर्बाद करने की जगह गोली मारनी चाहिए और केस खत्म। क्यों, धमकी दे रहे हो? गांधी जी को खौफ होता तो आजादी नहीं मिलती, अगर भगत सिंह को फांसी का खौफ होता तो हमें आजादी मिलती क्या? मुझे किसी का खौफ नहीं है कमिश्नर साहब, जिन्हें खौफ है उनसे कहिए। कमिश्नर साहब, हम सब घासलेट में जलते दिए हैं पर पहाड़ी के ऊपर रहते हैं, बुझाने की गलती मत करना, जलकर खाक हो जाओगे। कमिश्नर सर, जब तक हमें जवाब नहीं मिलता हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, जवाब दो। हाय सर, कमिश्नर, हाय। प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? उस तरफ। तुम यूनिवर्सिटी में अव्वल आओगी ऐसा हमने तो सोचा था, तुमने सोचा था कि नहीं? पता नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी में आज तक इतने अच्छे मार्क्स लेकर कोई भी पास नहीं हुआ है। मुझे तुम पर नाज है, तुमसे ज्यादा तुम्हें जिसने पढ़ाया है उसका ये कॉलेज शुक्रगुजार है। तुम गरीब परिवार से हो, फिर भी तुमसे कह रही हूँ, इतने ज्यादा मार्क्स लेने के बावजूद 5,000 या 10,000 वाली नौकरी करने से बेहतर है थोड़ी सी मेहनत करके, पैसे खर्च करके US में हायर एजुकेशन के लिए चली जाओ, तुम्हें वहाँ अच्छी पोस्ट की नौकरी भी मिल जाएगी। नहीं, मैंने इतनी तालीम हासिल कर ली, इतना ही काफी है मेरे लिए, इससे ज्यादा मैं पापा और परिवार वालों को तकलीफ नहीं दूंगी, आप समझ रही हैं ना मैम? फौरन जाने के लिए वक्त बहुत कम है, तुम अपने पिता से बात करके जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। एक काम करो, बगल में ही अलीबाग है, वहीं जाके शिफ्ट हो जाओ, किसी और को तलाश लूंगा मैं। सर, तो बताइए क्या करूं? एनकाउंटर, यही एक रास्ता है, उड़ा दो। अगर तुमसे ना हो तो सरकारी बंदूक मुझे दे दो, मैं कर दूंगा। क्या क्या हुआ, खौफ हुई? सोच लिया, एनकाउंटर कर दूंगा।
रेड क्या सोचा अमेरिका के बारे सोचना में? सोचना क्या है, फैसला ले लिया है, अब सोचना नहीं है। वो कल थोड़ी ना जाने वाली है, 10 दिन बाद भी जा सकती है ना, तब तक हमें कोई इंतजाम करना होगा। बात वो नहीं है, जैसा सोचते हो वैसा नहीं है, सब जा रहे हैं। वो क्यों नहीं जाएगी? पढ़ने वाली है, पढ़ाई की ख्वाहिश है, कुछ और तो नहीं मांगा ना? एनकाउंटर की वजह से सभी ने हाथ उठा लिए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? इस घर को बांधा उसे बेचना। अरे अरे, ये तुम क्या कह रहे हो, वो तुम्हारी जिंदगी है, पैसों के लिए तुम उसे बेच रहे हो। भैया घर बेचकर पैसे लेकर आओ। और सुन, नारायण को कल मंडप के पीछे बुलाओ। आप एक बार फिर से। अरे जाना यार, तू कुछ भी पूछता है, जब देखो तब सफाई मांगता रहता है, चल जा। ये लो पैसे, तुमने कहीं से कर्जा लिया कहकर लड़की को अमेरिका भेजने की तैयारी करो। नहीं नहीं रेड। लो पकड़ो। अरे नहीं नहीं, ले लो नारायण। अरे मैंने कहा ना ले लो। रेड आज मेरा परिवार 2 निवाले खा रहा है, तो वो तुम्हारी वजह से। अब बस हुआ रेड, तुमने मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। नहीं नारायण, बात को समझो, उसकी ख्वाहिश है अमेरिका जाकर पढ़ने की, पढ़ेगी तो बहुत बड़ी बन जाएगी। और कितनी बड़ी बनेगी, अब बड़ी बनने की जरूरत नहीं है। देखो रेड, उसे जितना पढ़ना था उतना वो पढ़ चुकी है, इस नारायण की बेटी ने 10 गुना ज्यादा हासिल कर लिया है, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमसे शादी करके अपना आशिया बनाए यही काफी। भैया आप समझाओ ना। चुप रहो रेड, ये क्या कहेगा? देखो तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम उससे मोहब्बत करते हो, तुम उसे उठाकर मंदिर ले जाकर शादी कर सकते थे ना उससे, तुम ऐसा करते तो तुमसे कौन सवाल करता बताओ? तुमने हमें इज्जत दी है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम समझते क्यों नहीं, खुदा हो तुम हमारे। ये लो और लेकर जाओ। इतना क्यों दे रहे हो, 1 रुपया दे दो पीने के लिए। पुलिस की बंदूक की 1 गोली पर मेरा नाम लिखा है, वो लोग कभी भी मुझे मार सकते हैं, ऐसी हालत में तुम कह रहे हो कि मैं शादी कर लूं? अरे कैसे कर सकता हूं मैं शादी, फालतू की बात कर रहे हो तुम। देखो मेरी बात सुनो, जाओ यहां से, जाओ ना। रेड मेरी बात सुनो, उसे अमेरिका नहीं चाहिए। रेड मेरी बात सुनो रेड। अरे क्या देख रहे हो, कुछ तो कहो ना। रेड नहीं रेड, कुछ तो कहो ना तुम। रेड मेरी बात सुनो रेड, उसे अमेरिका सब नहीं चाहिए, मेरी बात सुनो रेड। रेड नहीं रेड। ए कुछ तो कहो ना इसे, ऐसे अच्छे इंसान को मरने मत दो। रेड मेरी बात सुनो रेड। नहीं रेड, रेड रुक जाओ रेड, रेड ऐसे मत जाओ रेड, रेड मेरी बात सुनो, कोई तो रोको इसे रेड। आनंद सर, इस हफ्ते का मैटर प्रिंट हो गया? कल हो जाएगा सर। आदि की पूर्णिमा से मुलाकात कैसे हुई, कैसे हुई, उसने क्या कहा, क्या क्या गुफ्तगु हुई, आगाज से लेकर अब तक सब कुछ नए एडिशन में आना चाहिए। इसको आदि पढ़े या फिर पूर्णिमा पढ़े या कोई और ही पढ़े और कहे कि इस कहानी की तरह तुम्हारी जिंदगी में हो रही है, इसकी खबर रेलवे स्टेशन पर होनी चाहिए, समझ गए ना? वहाँ पहुँचते ही फोन कर देना। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। गायत्री तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी के 20 स्टूडेंट जाने वाले हैं, फिर क्यों घबरा रही हो? आप मेरे साथ आ सकते थे ना, कल सुबह ही मेरा बहुत जरूरी मैच है। अच्छा तुम जो किताब कह रही थी वो लेकर आओ, मैं कोच से मिलकर आता हूँ। ओके कोच नंबर S2 है। वाली मैगजीन दीजिए। लीजिए, रुकिए, ये भी लीजिए। ये किस लिए? आनंद विक्रम आदि में एक कहानी आती है, उसी कहानी की तरह आपके इलाके में कुछ हुआ तो आप लिखकर भेज दीजिए, इनाम मिलेगा। रेड तुम यहाँ कैसे? तुम जा रही हो ना, इसलिए सोचा मिल लो। मैं तो घबरा गई थी, मुझे लगा किसी से झगड़ा करके रेलवे स्टेशन बंद करवाने आए हो। मेरी बातों से गुस्सा मत होना, मेरी सहेली भी मुझे अलविदा करने नहीं आई, लेकिन आप आए हो, आपको मेरी फिक्र है ना, इस बात को मैं अच्छे से जानती हूँ। आपको पता है कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि आप ये गुंडागर्दी वगैरह हमेशा के लिए छोड़ दीजिए,
सभी आपकी तारीफ करें और आप एक बहुत अच्छे इंसान बने। अब मैं एक साल बाद ही यहाँ आऊंगी। अगर सच में आप मेरी फिक्र करते हैं तो ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है? एक अच्छे इंसान बनिए, आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार के तो देखिए। ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी बात मानेंगे। मारना चाहे तो उसके पास कोई हथियार नहीं है। उसके लिए अपनी जान देने वाले यहां पर बहुत सारे लोग हैं। हम कौन हैं ये बताने के लिए गिरफ्तार करना होगा। कड़ी पहनाओ। अरे भाई छोड़ दो, भाई को छोड़ दो। याद है ना, इसी जगह पर मेरा मजाक बनाया था। अब क्या तू मुझे सिखाएगा? ए सिंधी, तूने मुझे मारा है ना, मैं इसी कपड़े में रहूंगा हमेशा। जिस रोज रेड बाहर आकर तुझे मारेगा, मैं उसी रोज ये कपड़े बदलूंगा। वो तुझे छोड़ेगा नहीं। ले! भाई जान, सुबह से कुछ खाया नहीं है, ये पी लो। तुमने खाया? हाँ। भैया? रेड, तुम कब आए? अरे रेड, क्या है ये सब? रेड, नए कपड़े दोगे मुझे? क्यों ऐसा? इज्जत के खातिर। तुम दो महीने नहीं थे, खाने को नहीं मिला। पैर कैसा है? पैर को छोड़ो, जान तो बाकी है ना। अब तुम आ गए हो, यही काफी है। लो ये चाय पियो। बहुत दिनों पियो, पियो, पियो। अरे पियो। हमारे बंदों को उन्होंने गोली मार दी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उन्हें दिखाने की बारी हमारी है। कल से मुंबई में सोडा पीने के लिए कोई नहीं लेगा, बल्कि उन्हें मारने के लिए लेगा। हम छोड़ेंगे नहीं उनको। अफगानिस्तान में अमेरिका ने जैसे बम डाला था ना, ठीक वैसा ही बम हम उन पर डाल कर रहेंगे। ए चुप बैठ रहे, ये सब ऐसे ही बात करेंगे, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। यहाँ के अच्छे बुरे, जाने वाले आने वाले, इन सबको तुमने अपने दिल में रखा था ना?
पर उन्होंने तुम्हें थोड़े दिन अंदर किया तो जेल में तुमसे मुलाकात करने यहाँ से कोई आया था क्या? कोई नहीं मिलेंगे, क्योंकि खौफ, इन सब पर यकीन मत करो, मेरी बात मानो, रहने दो। दूसरों के लिए मारपीट करना, बदनाम होना, जेल में जाना, सब बहुत हुआ। देखो तुम मेहनत करो और खाओ, तुम खुश रहो, मेरे लिए वही काफी है, ठीक है ना? ए, कोई इधर आओ। जिसे काटना नहीं आता उसके हाथ में तलवार दे दी, जब तुम्हें बजाना नहीं आता तो ये तुम्हारे किस काम की? ए रेड, इसे बजाओ ना, बजाओ ना रेड, बजाओ ना। तुम्हें खुशी से बजाते हुए देखकर काफी दिन हो गए हैं, बजाओ। चाय पी लीजिए। ए, नीचे रख। तुमने चाय पी ली है ना? अब जिस काम के लिए आए वो करेंगे। अब तक कहाँ थे तुम? चलो वो बताओ। बताती हूँ। 15 सालों से बाहर काउंसलिंग का मामला चल रहा था, तब मैंने वकालत की थी ना। जब मैं इसके लिए लड़ने के लिए खड़ी हुई तो उस सीनू ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, तब मैं डरी क्या? फिर भी मैंने वकालत की ना। और जब यहाँ पर तकलीफ आई तब मैं सैलून में थी। इसमें मेरी क्या खता है? मेरा तो दिन ही खराब है, इसमें इतनी नाराजगी। वो उनकी जुबान फिसल गई, छोड़ो ना उन्हें। देखो मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, ये गुंडागर्दी छोड़ दो। अब इतना क्या सोच रहे हो, चाय पियो। ये लो। अच्छा बेटी, ये नारायण दो लफ्ज़ नहीं, कह नहीं, सकता बिल्कुल है नहीं। शराब की दुकान की नीलामी हो रही है और उससे तुम अपना कमीशन निकालने वाले हो। अरे हाँ, मैं जानती हूँ ये पैसा गरीबों पर खर्च होता है, लेकिन ये काम गैर कानूनी है। बेटी मुझे जो कहना है वो दो लफ्ज़ बाकी है, चाय ठंडी होने तक कह दो क्या? बोलिए। देखो बेटी, सरकार ही शराब की दुकान की नीलामी करती है, उससे मिली हुई रकम को लेकर गरीब बच्चों को खाना देती है। अब अंडा दे या सिर्फ सब्जी दे, इसी बात का झगड़ा चल रहा है। अब मसला ये है, सरकार जो करे वो सही है तो रेड जो करे वो भी सही है, सरकार अगर गलत है तो रेड भी गलत है। क्यों, मैंने सही कहा ना? देखो बेटी, तुम ये बात बाहर काउंसिल में जाकर कहकर देखो, तुम और भी ज्यादा फेमस हो जाओगी। नारायण। हाँ हाँ बोलो बेटी, मैं यही हूँ। आपसे नहीं कह रही हूँ। अच्छा वो नारायण क्या, जो आता नहीं उसे जबरदस्ती क्यों बुला रही हो? अच्छा मैं चलता हूँ। वो तुम किसी से प्यार करते हो क्या? नारायण। हाँ नहीं, मैं यहाँ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। वो बात नहीं है, चाय का कप रख कर जाओ। हाँ। बोलो प्यार करते हो क्या? कौन है वो खुशनसीब? बताऊंगा, जल्दी से बता दो, तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। ये देखो, सबसे कहते हो हंसने के लिए लेकिन तुम ही उदास रहते हो, हंसो। चलता हूँ। ठीक है जाओ। भाई जी लगी, मैं उठा लेता हूँ। चलेगा चलेगा। पांडू ये ले। रेड। अरे क्या रेड, क्या तुम भी ये टमाटर की पेटी उठा रहे हो? सीधे मेरी दुकान में आने का, क्वार्टर पीने का और बिरयानी खा के मस्त लाइफ जीने का। वो सब नहीं चाहिए, जाओ। अरे ऐसे कैसे चलेगा, 9 महीने तुम जेल में थे तो CBI ने और इस एरिया के SI ने बार न खोलने का हुक्म दे दिया है, बोलते हैं शराब मत बेचो। अरे रेड भाई, जाकर उसे अपनी भाषा में समझाओ ना। तेरे को काम निकालने का है इसलिए मेरे को मस्का लगा रहा है। चल निकल। रेड रेड, अरे अरे सारथी। ये लो। जी सर। सारथी सारथी, तुम तो मेरी बात मानोगे ना, तुमको मैं 3 लाख रुपए देता हूँ। अपना पैर ठीक करा लो, उसके बाद जो पुलिस वाला है ना उसे सबक सिखाना। बैठी भैंस को लात मारना चाहता है, मौके का फायदा उठाएगा। देख बोतल, अपने काम से काम रख, निकल। ए छोटा भाई। अरे छोटा भाई क्या, छोटा भाई होकर मोटा बोरा उठा रहे हो, उन सब के साथ मत रहो, तुम ना मेरे बंगले में रहो और यहाँ का जो SI है ना उसे सबक सिखाना। तेरे पास बंगला है, ढंग की खोली तक नहीं और बोलता है कि महल में रहो, पागल कहीं का, दिन की रोशनी में टॉर्च लेकर घूमता है, महल वाला बड़ा है। ये सब क्या चल रहा है, सब लोग मेरे को ही क्यों घुमा रहे हैं? ए रेड रेड, अपने इलाके में सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि इतने दिनों से भाई की फाइटिंग ही नहीं देखी। तुम बोल रहे थे ना कि बच्चों की फीस चाहिए, वही काम तो मैं कर रहा हूँ, अब मेरी बात मान लो, पुलिस वालों को मारो। नहीं चाहिए, निकल। क्या रेड, कितनी देर से तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? इतना मार काफी है क्या? वाइज हेलो।
और वो बैग, बैग दे दीजिए सर। दिखाओ दिखाओ कह रहे थे, अब देख लिया ना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सच कहा आपने। लेकिन आप लोग हैं कौन भाई? आपने मेरी जमीन तो मेरे हाथों में दे दी, एक एहसान और कर दीजिए, मेरी जान बचा लीजिए। वो ऊपर वाला ही तुम्हें बचा सकता है भाई। भाई भाई वो बदल गया है, उसने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो किसी इंस्पेक्टर को अब नहीं मारेगा। दो महीने जेल में रह के शरीफ बन गया, इसके बावजूद हम उसे छोड़ेंगे नहीं, इससे पहले कि वो सांप हमें डसे को चल डालेंगे, समझा क्या? इसके लिए जेल जा सकते थे, तुम्हारे गले पर हाथ डाला था ना, उसका गला काटकर फेंक नहीं सकते थे। तुमने सिर्फ अपनी जुबान बंद की तो इन्होंने तुम्हें जिंदा लाश समझ लिया। तुम सब क्या कर रहे थे? नहीं किया, जो भी किया रेड ने किया। चुप बैठो, क्या ना आपके होते हुए ये सब हुआ, अब क्या कहोगे आप? नहीं नहीं बैठो आप, दे रहे ये लीजिए रेड। मैं तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोचता हूँ, तुम शेर हो और आखिरी सांस तक शेर ही रहोगे। हे भगवान, अब आंसू क्यों बहा रहे हो? तुम ही कह दो क्यों बहा रहा हूँ। अरे बोलो क्या हुआ? नहीं रेड, लगता है तुमने सबके सामने हथियार डाल दिया है। हथियार नहीं डाला, सिर्फ रखा है। आधी कहानी पूछे गए सवालों के लिए सही जवाब देने वाले पाठकों का खत है। हफ्ते में 25 लोगों को चुनकर पूरे राज्य में दूर करवाने का फैसला हमने किया है। महीने के 20 दिन तो उसे झटके आते रहते हैं। ऐसा क्यों? और बाकी के 20 दिन शादी की बातें करता रहता है। ए, संभल के रहना, नहीं तो बेवकूफ बना देगा। बेवकूफ नहीं बनाएगा वो, तो मुझ पर अपनी जान कुर्बान करता है। ब्याह तक बात पहुंची इसलिए ठीक है, वरना ऐलान करना पड़ता था। बेटी इन सबको भेज दो, रेड को फोन पर बात करनी है। ए, मुझे तो क्या है, आने वाला है क्या? हेलो 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 हेलो, रेड बोल रहा हूँ। रेड कैसी हो तुम? आई एम फाइन थैंक्स, हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर योर फ्रेंड्स? व्हाट इज हैपनिंग विद यू अदरवाइज? हेलो हेलो हेलो, टेल मी एवरीथिंग। तुम जो बोल रही हो वो मेरे भेजे में नहीं घुस रहा, मुझे कुछ समझ में आया वैसा बोलो ना। ओ, मुझे माफ करना। दिल लगाकर पढ़ाई करना, नई जगह है, अपना ख्याल रखना। जब से यहाँ से तुम अमेरिका गई हो बस आने का इंतजार कर रहा हूँ। 4 नवंबर को आ रही हूँ, मेरा इंतजार करना। हाँ जरूर इंतजार करना और इंतजार करवाना, दोनों में ही लुत्फ है। हेलो आइए आइए। रेड बताइए क्या बात है? हम यहाँ डोनेशन के लिए आए हैं, आप डोनेशन देने की हालत में नहीं हमें पता है। आपके नारायण का लड़का राधा कृष्णन बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर है, हमने क्रिकेट मैच का आजाद मैदान में इंतजाम किया है। अगर वो आकर खेलेगा तो पैसे काफी हद तक जमा हो जाएंगे और वो पैसे यतीम बच्चों के काम आएंगे। उस परिवार के बारे में आप बहुत जानते हैं, गायत्री अब यहाँ पर नहीं है इसलिए राधा कृष्ण को आप खेलने के लिए कहेंगे तो एहसान होगा। जी बेशक, बात बहुत बहुत शुक्रिया। हे रेड, यहाँ कैसे? तुमसे जरा अकेले में बात करने के लिए वक्त नहीं है, जॉगिंग करते हुए बात करें वरना अगले महीने 4 तारीख को आ जाना। ये लो। अरे ज्वाला, 10-15 सालों से यतीम बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्चा, डोनेशन सब कर रहा था लेकिन अब वक्त बदल गया है इसलिए कुछ नहीं कर सकता। आजाद मैदान में क्रिकेट मैच का इंतजाम किया है, तुमसे गुजारिश है कि आकर खेलो, उससे फायदा उन यतीम बच्चों के लिए काफी हद तक सहारा हो जाएगा। लेकिन मैं वहाँ कैसे खेल सकता हूँ, वहाँ तो बच्चे खेलते हैं। नेक काम है, आ सकते हो ना? ये ब्रांडेड जूते पहनकर और ये कपड़े पहनकर अच्छे मैदानों में खेला जाता है। खैर इस मैच फिक्सिंग में तुम्हें कितना कमीशन मिल रहा? क्या हुआ रेड्डी, बल्ती बंद हो गई? मुझे फॉलो करना मुश्किल है, बाय। ओह
राधा, क्या हुआ आपको? शुगर कम करने के लिए डॉक्टर ने दौड़ने की सलाह दी है क्या? नहीं रे, सॉल्ट, नमक, नमक। रेड जो खाना खाने देता है ना, उसका नमक। चलो, भाग रहा है। ए रुक रे, सुन, बड़े बड़े लोग उसके सामने खड़े रहकर बात करने से डरते हैं। ऐसे शख्स के बारे में तुम पीछे से बात कर रहे हो। एक बात जहन में रख लो, तू कितना भी भाग ले, तेरे जिस्म की चर्बी कम नहीं होगी। फालतू की बात मत करो। अरे जा अपना काम कर। ए रुक, रुक जा। सुबह सुबह पढ़ाई छोड़कर उसके पीछे भाग रही है। चल जा घर पर, जाने तो सर फोड़ दूंगा। भाग रही है सुबह सुबह। एक बात दिमाग में डाल दो, जिंदगी हो या मैदान में हो, शांति से दौड़ना चाहिए, वरना एक दिन रन आउट हो जाओगे। क्या हुआ? हम लोग भी टीवी पर मैच देखते हैं, विकेट जाएगी तेरी, समझा ना? खाना खाया क्या? खाया। हाँ, बोल रहे हैं ना? खाया। वो आ गया। चल, स्टेडियम चौक गया। चलो रेड। क्या? एक कश देना। 99 रन हो गए थे, एक और लेता तो सेंचुरी हो जाती। सारा स्टेडियम चिल्ला रहा था, LBW बोलकर एम्पायर ने हाथ खड़ा कर दिया। उस हाथ को काटने का है रेड, चलना। पी रखे हो, कल सुबह बात करेंगे। अरे सलाह नहीं चाहिए रेड, मैं जिस स्टेडियम में सेंचुरी नहीं बना पाया, वहां के एम्पायर का हाथ काटना है। जॉगिंग ग्राउंड में उस दिन पूछ रहे थे ना, उससे भी ज्यादा पैसा दूंगा मैं, चलना। राधा कृष्ण, अभी ये सारी बातें मत कर, जो भी बातें कल सुबह करना, अभी जाए। चल, क्या सवेरे चुप रहे? कल सवेरे हम बात नहीं करेंगे, पूरा गांव उस एम्पायर के हाथ काटने के बारे में बात करेगा। नशे में बहुत बातें बोली है ना, की भी है, ये सब तुम नहीं जानते। अब ये जुर्म करना मैंने छोड़ दिया है, चलो जाओ। अरे मैं तो तुम्हें कुछ और ही समझ रहा था रेड, तुम्हारा खून खोलना बंद हो गया है क्या? मेरी बात मान लो ना। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोगों पर यकीन करना ही नहीं चाहिए। ये क्या किया तुमने? मैंने थूका रेड। किधर थूका? उधर झाड़ पे थूका। वो झाड़ है क्या? वो झाड़ है क्या? वो झाड़ है, चल निकल। रेड, मैंने कहा ना बहुत पैसे दूंगा तुम्हें। ए, चल निकल यहाँ से, नहीं चाहिए तेरे पैसे। ए, बोला ना, निकल। आ गया मुंह उठा के। ए, कपड़ा दे। नहीं मैं करता हूं। चल निकल। झाड़ कह रहा था तुम्हें। कितने पैसे मिले? ये देखिए, 15 रुपए मिले। गोदाम में तेल का टिन उठाने के लिए कहा, इसलिए इतने मिले। ये भी कोई पैसा है क्या? हम किसी भी तरह रेड की मदद नहीं कर पा रहे, इससे तो अच्छा है कि जहर खाकर जान दे दे। क्या बेवकूफ वाली बात कर रहा है, नालायक कहीं का। ज्वाला ने उसे धौंस दी है ना, काफी है उसके लिए। क्या धौंस दी है? कोई भी, हर कोई बेइज्जत कर रहा है, हर कोई कांटे की तरह रास्ते में खड़ा है। अरे बेटा, अब हम कांटे नहीं, एटम बॉम्ब है। 2 से 6 होंगे, 6 से 100 होंगे। मेरी लुंगी बदलेगी, तुम्हारी शर्ट बदलेगी, तुम बदलोगे, मैं बदलूंगा, हमारा वक्त बदलेगा, जरूर बदलेगा। झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं, वक्त बदलेगा ना हमारा। हाँ, ए चाय वाले, ए चाय वाले, सबको चाय पिला दे यहाँ पर। मैं बहुत खुश हूँ आज, मुझे पैसे मिलते मैं तुम्हें दे दूंगा। ए सब लोग चाय पियो रहे आज, मैं पिला रहा हूँ सबको चाय, हमारा वक्त बदलेगा ना। अरे ये सब क्या तमाशा लगा रखा है, MD को पता चलेगा तो चिल्लाएंगे। तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? सर, आदि को अपना घर मिल गया है। क्या बात कर रहे हो, आदि को कैसे घर मिल सकता है? उसके साथ रहने वाले सारे के सारे फकीर लोग हैं, उसको कैसे घर मिल सकता है? वकील शारदा जी ने उन्हें वापस लेकर दिया। पर आदि ने हामी भर दी क्या? आदि पहले तो नहीं माने, पर आदि की वजह से जो पढ़ लिख गए, हाँ, उन्होंने आदि को कमजोर कर दिया और आदि ने उनके सामने सर झुका दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। जो भी हुआ तुम्हारे बर्ताव की वजह से हुआ, तुमने कई लोगों को खुश किया। बैठ बैठ।
रेड नहीं आएगा। ए, किस लिए खड़े हो वहाँ पर? जाओ यहाँ से। तुम्हारा काम कोई और कर सके तो उससे करवा लो, यहाँ नहीं होगा, चलो जाओ। भैया क्या तकलीफ है? तुम लोग भीग क्यों रहे हो? अंदर आ जाओ। रेड, बारिश में भीग कर मर जाएंगे तो चलेगा क्या? हमने पाई पाई बचा कर चिट फंड में पैसे जमा किए ताकि भविष्य में काम आए, लेकिन उन्होंने धोखा देके कंपनी में ताला लगाया और गायब हो गए। तुम ही बताओ अब कहाँ जाएं? पुलिस स्टेशन गए तो उन लोगों ने हमें अदालत जाने की सलाह दे डाली। अदालत जाएंगे तो तारीख पे तारीख देकर सीता जी मार डालेंगे। अब गरीबों ने अपना पेट काट कर जो बचाया है वो सब उन्होंने हड़प लिया और हमारे पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। खुदकुशी कर लो, एक रुपए के बदले चार रुपए चाहिए थे ना, अब भुगतो सब लोग। भैया हाँ रेड, चिट फंड में पैसे डालोगे तो कार देंगे, सोने के सिक्के देंगे, मंगलसूत्र देंगे, घर देंगे, ये वादे किए होंगे तभी पैसे डाले। यकीन गया भाड़ में, लेकिन जाकर उनसे सवाल पूछो तो सही, 1 करोड़ पे 10 लाख कमीशन लेकर बैठा है वो सिद्धी। हाँ रेड हाँ, हमारी मदद करो बेटा। देखो अगर हमारे साथ कोई हादसा हुआ तो तुम ही हमारे मददगार हो, हम इतनी देर से बोल रहे हो और तुम चुपचाप खड़े हो, हमारी मदद करो रेड, हम गरीब किसके पास जाएं? तुम्हें पैदा करने वाली, तुम्हें बड़ा करने वाली सिर्फ एक ही माँ है क्या? यहाँ सभी औरतें सब तुम्हारी माँ बहनों जैसी हैं, तुम्हारी आँखें इनकी मजबूरी नहीं देख रही, हम भीख मांग रहे हैं, आओ बेटा आओ। भैया रेड अंकल, अगर आप नहीं आए तो हमें मजदूरी करने जाना पड़ेगा। रेड, हम जिस भगवान की पूजा करते हैं उसके 10 हाथ होते हैं, उसके हाथों में 10 हथियार भी होते हैं। हम जिस काली की पूजा करते हैं वो अपने पैरों तले शैतानों को खत्म कर देती है, तो तुम क्या सोच रहे हो? रेड, ये लोग यकीन के साथ हमारे पास आए हैं, मदद करो इनकी, नहीं तो मरने के लिए छोड़ दो। चलो बनाते हो, चलो। रेड क्या है, बार बार रास्ते में क्यों आते हो? बार बार तुम लोग गलत काम क्यों करते हो? तुझे जितना पैसा चाहिए तू बोल, लेकिन मेरे बीच में मत आ। तू मुझे पैसों के तराजू में मत तौला कर, समझ गया? जिंदा दफना दूंगा। पैसे चुकाने के लिए ब्याज भरना पड़ेगा तो दूसरा धंधा करेंगे ना, ये धंधा तो तबाह हो गया, अब क्या करूं? नुकसान दिखाकर लोगों के पैसे हथियाते हो, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, इन लोगों के पैसे लौटा दो। दूं? पेड़ पे उगते हैं, नहीं दूंगा, क्या करेगा? चुपचाप उनके पैसे दे दो वरना मुझे और कुछ करना नहीं होगा। तो क्या करेगा, मारेगा क्या?
मारेगा मुझे, मारेगा? चीर के रख दूंगा, सोच लेना तुम। 5 साल में जमा किए पैसे 5 साल में मिलते हैं, चल जा निकल अब। ओए, ऐसे कब लौटाओगे ये नहीं पूछा तुमसे, कब लौटाने हैं ये बताने आया हूँ। रेड सबको एक वक्त मुकरर करता है, बारिश रुकने तक। दे दूंगा भाईच। आज से किसी पर आंख बंद करके यकीन मत करना। बहन जी क्या है ये, खून पसीना बहाकर पैसे कमाए जाते हैं, चलो जाओ लेकर जाओ। यहाँ आकर बहुत जबान चल रही है, वहाँ आंसू नहीं रुक रहे थे। रेड्डी आज बहुत दिनों के बाद जाकर दिल को बहुत सुकून मिला है। क्या हुआ? बदल जाओ कहकर वो चली गई। ये मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मुझसे। तुम कभी मत बदलना। किसने कहा कि ये गुनाह है? देखो देखो इन गरीबों को, एक नेक बादशाह की तरह तुम इन पर हुकूमत करोगे, इनके दिल में हमेशा रहोगे। ए, इत्मीनान से जाओ तुम लोग, तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। अपना रेड है ना, तुम्हारे साथ हम सब लोग हैं। भगवान आपका भला करे, तुम हमेशा ऐसे रहना। शुक्रिया। पैसे को रहने दो रेड, रेड मारा है ना, बहुत बन जाएगा। हाथ बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, सबकी जिंदगी बचा, सबकी जमीनें वापस करा दी है। चिटफंड कंपनी में जुड़ी धोखाधड़ी हुई है, मैंने जो भी सजा देनी मुझे, अगर कानून के खिलाफ। ये बेवकूफ है, सब कुछ मैंने किया, मुझे मुझे हिरासत में। तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया रेट, तुम एक नेक इंसान हो, मैं पहचान नहीं सका। तुम पर एनकाउंटर किया, तुम्हारे आदमियों को बिना वजह सलाखों के पीछे डाला, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। अगर मेरे पास कोई शिकायत करने आता है तो वो मुझे लेनी होगी। कल तुमने एक मसला हल किया है, वो चिट फंड का, ये तुमने अच्छा किया। तुम्हें तोड़ने की सोच रहे थे रेड, कभी टूटना नहीं, बदलना मत तुम। अगर तुम बदल गए तो आवाम तकलीफ में आ जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। मिस्टर रेड, अपनी जिंदगी में आज तक मैंने बहुत लोगों को सल्यूट किया, बट टुडे हैट्स ऑफ टू यू, मेरा तबादला कर दिया इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। कायदे और कानून के दबाव में आकर आज तक मैंने कितने ही गलत कदम उठाए हैं और वो मुझे कचोट रहे हैं। तुम्हारे जैसे सिर्फ दो लोग चाहिए जो डिपार्टमेंट को बुलंदी पर ले जाएंगे, तुम्हारे जैसा मेरा कोई भाई नहीं, इस बात का मुझे अफसोस है। बदलना मत, कभी मत बदलना। गॉड ब्लेस यू, चलता हूं, कभी बदलना मत। सभी पाठकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। वक्त बहुत कम है, इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं। हेलो, आधे घंटे में फोन करना, डिस्टर्ब मत करो। मैं राधा कृष्णन। मैं राहुल। जानता हूँ सर, आप ही राहुल ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन हो, आपके बारे में सब जानता हूँ। मेरे बारे में काफी जानते हो, कुछ बात करनी है तुमसे। आओ नारायण।
क्या है, कुछ नया है क्या? कुछ नहीं, रेड पल्ली स्वामी का बेटा, सेल्वी गायत्री का पिता, फेमस चना बेचने वाला नारायण आया है। बातों में कैसे बहला रहा है तुम्हें? अरे शादी का कार्ड छपे बिना ही शादी के बारे में कैसे बात कर रहा है देखो। हाँ ठीक है, बात क्या है बता। कुछ नहीं, थोड़े दिनों में गायत्री आने वाली है तो उसके लिए तुम ही हो, फैसला हो गया है ना, शादी करनी है ना, तारीख देखनी है। ठीक है बैठो। नहीं ठीक, बैठो ना। नहीं नहीं चलेगा, बैठो बोला ना। अब मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, पिछले हफ्ते बॉस्टन यूनिवर्सिटी में तुम्हारी बहन गायत्री को देखा। अच्छा। कैंपस इंटरव्यू में वही अप्पल आई थी। वहाँ की पढ़ाई खत्म करके गायत्री मेरी कंपनी की पूरी जिम्मेदारी संभाल ले, मेरी खुशनसीबी होगी। ये तो मेरी बहन की खुशनसीबी की बात होगी। ए चने की दुकान, मेरी बात सुन, तुम शादी के नाम पे सिर्फ मंगलसूत्र दिखाकर चार लोग को सिर्फ खाना खिलाकर भेज दोगे क्या? दहेज के बारे में भी कुछ बोलो। जान दे दूंगा, मेरी जान दे दूंगा। सुना क्या? असल में गायत्री She's an able administrator. इसके साथ ही वो बहुत खूबसूरत भी है। मेरी कंपनी में जीम बनने से अच्छा है वो मेरी जिंदगी बन जाए, मेरा नसीब चमक जाएगा। क्यों नारायण, तुम इतने दिन यहाँ आते जाते रहे हो, अब क्या घर में रहने का इरादा है? बात ऐसी है, सब खुदगर्ज है, क्योंकि मेरी बेटी मुझसे प्यार करती है। पता नहीं क्यों तुम भी मुझे बहुत पसंद करते हो। अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो मुझे खुश रखोगे ना? थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना। अरे आनंद सर, आओ हाथ मिलाओ। हाथ मिलाओ तो सही, एक बड़ी खुशखबरी है। क्या सर? आज रेड की मंगनी हो गई घर पर। रेड, नारायण, सारथी और उसके छोटे भाई ने मिलकर गायत्री के वापस आने के बाद निकाह करने की बात पक्की कर ली। ये बात सर, लेकिन उसके भाई राधा कृष्णन ने तो उसका रिश्ता किसी बड़े खानदान में तय किया है। कोई फैसला इस फैसले के आगे नहीं टिकेगा। आपको क्या लगता है क्या होगा? जो बेहतर है वही होगा। वो कैसे? हमारे पास अच्छे पाठक भी हैं और रेड नेक इंसान है, ये निकाह तो होकर रहेगा। आनंद जी, गायत्री के वापस आते ही हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। इसके साथ चिकन भी अच्छा लगेगा। अमेरिका से जल्दी गायत्री वापस आने वाली है, वो आते ही उसकी और रेड की शादी हो जाएगी। पंडित बोल रहे हैं कि तारीख नहीं मिल रही, इसलिए मैं हाथों हाथ लेकर घूम रहा हूँ। एक बार रेड की शादी हो गई ना, तुम्हारी कहानी तो खत्म। मेरी भी एक बात सुन ले, रंबा रख ले, उर्वशी रख ले, मेनका भी रख ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। पर सिर्फ मुझे, सिर्फ तुम्हें, सिर्फ मुझे, सिर्फ तुम्हें, सिर्फ मुझे, बोलो सिर्फ तुम्हें क्या? बोलो सिर्फ तुम्हें। कमिश्नर इस्तीफा देकर चला गया है। चला गया? कमिश्नर ही चला गया ना, मेरी जिंदगी तो नहीं गई, मैं हूँ ना, मैं जिंदा हूँ ना। वही 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 क्या हुआ? रेड, रेड, रेड मतलब आग, आग मतलब दंगा। तो जला देंगे। जला दो उसे, जला दो। उसने कहा था बारिश रुकने से पहले पैसे दे दो, अब जो मेरी मर्जी होगी वही होना चाहिए। फूंक डालो, खत्म करो, जाओ जाओ जाओ। रेड कौन है ये रेड है? बहुत आग उगल रहा है, मैं सिंधी हूँ। पिताजी। क्या हुआ? पिताजी। क्या है? गाना क्यों बंद किया? ये क्या, जब मैं गाना सुनती हूँ तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता और अभी आप झूम रहे हैं? मैं गाने की वजह से नहीं झूम रहा हूँ, मेरी बेटी आने वाली है इसलिए झूम रहा हूँ। ये पहन लीजिए अभी। क्या है ये? ये भैया ने, लोकल ने पहनने के लिए कहा। नहीं, है पिताजी, आपको पहनने के लिए कहा। अरे ची, जाओ यहाँ से। ये पहनेंगे तभी एयरपोर्ट जाएंगे, पहन लीजिए ना पिताजी। देखो एयरपोर्ट कैसे जाना है मुझे सब पता है, एयरपोर्ट ड्यूटी मैनेजर मुझसे ही चना लेकर खाते हैं। पिछले हफ्ते क्या हुआ पता है? एयरपोर्ट के 3 पायलट को चने बेचे हैं मैंने। ए सुनो, किसे बुलाना है, एयरपोर्ट कैसे जाना है मुझे सब पता है, जाकर कह दो। बिना कुछ जाने सब पता है कहने वाले पहले शख्स हैं आप। किसको? रेड को बुलाना चाहते हैं, है ना? हाँ, कहा ना। मवाली के साथ घूमते हो। छी,
आपको कुछ भी हो सकता है, पता है? ए, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगा। और मेरी एक बात सुन ले, क्रिकेट तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे पीछे विकेट किसने खड़ी की, हाथ में बैट किसने दी वो भी नहीं पता। किसने दिया? अरे जा रे बेटी, 6 बजे तेरी दीदी फ्लाइट से उतरते ही बाउंसर डालने वाली है, एक ही बॉल में आउट होने वाले हो, हेलमेट पहनकर तैयार हो जाओ। मच्छर मारने की गाड़ी आ रही है, उसी धुएं के अंदर उसे जला देंगे। चल रेड, वो हम दोनों को देखेगी तो खुश हो जाएगी, जाते वक्त झगड़ा हुआ था आते वक्त खुश होकर आती होगी। अरे सर, नारायण को सिंधी के लोगों ने बीच सड़क पर जला दिया। रेड की डेट है, नारायण। पुलिस को लगता है कि इसकी वजह रेड है और उसे गिरफ्तार करके ले गई है। गायत्री कितने बजे आ रही है? रात के 11 बजे। इसके बारे में पेपर्स खलास हो गए हैं सर। एक्सक्यूज मी, ये कौन है? सर, ये नारायण का लड़का है, इसका नाम है राधा कृष्णा। क्या सर, दिखने में तो पढ़े लिखे लग रहे हो सर, क्यों मवाली के साथ अपने पिता को घूमने देते हो? अच्छा, ये कौन है? ये मेरी बहन गायत्री है, अमेरिका से आई है। क्या सर, कितने डिसेंट लग रहे हो, ये सब आपको शोभा देता है? पापा ने परेशानी उठाई, अब मैं उन्हें खुशियां देना चाहती थी, पर आपकी वजह से ऐसा नहीं होगा। मेरे पापा ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उन्हें बीच सड़क पे जला दिया गया, उन पे जरा भी रहम नहीं आया। मानती हो इस बात को? उन्हें आप ही ने मारा है, आप खूनी हैं, मुझे पता है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो भले मेरी बेटी हो पर है तो एक औरत, पढ़कर वापस आते ही तुम्हें अलविदा कह दे तो तुम सह सकोगे? तुमसे ज्यादा तुम्हारी बेटी को मैं अच्छे से जानता हूँ। आप ही ने मारा है उन्हें। जाओ जाओ यहाँ से। हाँ?
क्या कहा गायत्री ने? उसे कैसे पता कि वो खूनी है? ये देखो, ये मुंबई पुलिस कमिश्नर को, ये लोकल पुलिस कमिश्नर को और ये आनंद को। इस कहानी को पढ़ने वाले सब यहाँ आने चाहिए, तब गायत्री को सच का पता चलेगा और मोहब्बत की जीत होनी चाहिए। क्या सर, जो हो रहा है उसे ही हम लिख लेते हैं ना सर? पागल हो, जो आंखों के सामने बेगुनाह है उसे खूनी कह रहे हो? नजरों के सामने सच है तो झूठ नहीं लिख सकता, और जितना लिखा काफी है। चलो पुलिस स्टेशन। सर 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 एक मिनट, मुझे गलत मत समझिए, जो कुछ चल रहा है उसे अपने रास्ते पर चलने दीजिए। आप इसके रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट डालने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन ना सर, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। सर बेवकूफी और पैसा दोनों अलग चीजें हैं, आपको लिखने के बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं सर। नहीं चाहिए मुझे पैसे। सर आप आती हुई लक्ष्मी को ठुकराइए मत सर। अरे कहा ना नहीं चाहिए। पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मेरे बहुत से कमिटमेंट्स हैं, लिखा नहीं तो यही होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मुझे माफ कर देना सर। हेलो। हेलो, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। पूर्णिमा सेफली आ गई ना सर, आदि को देखा आपने? और शादी का पैसा? चुप बैठो तुम। वो क्या कहते हैं, वो मनी संगम है ना, वो नारायण का कैरेक्टर, उसे चलाकर खत्म कर दिया। मतलब पूर्णिमा से आदि नेक इंसान है, ये हकीकत बताने वाला भी चला गया? हाँ बिल्कुल, लेखक भी सच बोलने के लिए निकल पड़े। निकल पड़े? नहीं तो क्या, उस बूढ़े को मार कर बेहोश करके गोदाम में बंद कर दिया है। सर तो कहानी मैं लिखने वाला हूँ। क्या आप? लेकिन सर ये कैसे होगा? सर क्या आप हंस रहे हैं सर? हेलो क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल हकीकत बयां कर रहा हूँ। आदि की कहानी बाजार में हफ्ते हफ्ते आती रहती है, तकरीबन 15 लाख लोग उसे पढ़ रहे हैं। उसमें सिंधी मतलब आपका नाम बदलकर कलिवर्धन रखा है, नारायण के मरने तक इसमें आपका नाम लिखा है। 5 बीवियों के बारे में भी लिखा है, चाहे तो पढ़ लीजिए। पैसे चाहिए क्या? हकीकत मिटानी है ना। किसने लिखा है? मनी मेगले ने, रेड के घर के गोदाम में मैंने उसे रखा है। आप उसे मार दो और मैं उनकी मौत को हादसा बता दूंगा। मैं आपका वफादार बन के रहूंगा। उस्ताद को धोखा देने वाला तो मुझसे वफादारी करेगा? उस राइटर को उठा लो। अपने आदि का साथ देने वाला मणिभूषण को मार दिया। कलिवर्धन का काम है। लेकिन मनी मेंगले आनंद सब कर क्या रहे हैं? अरे यार इस हफ्ते तो कहानी ही नहीं आई। आप उनसे नहीं मिल सकती। रेड को अरेस्ट करना आपका काम है ना? मैडम देखिए, मेरी बात सुनिए, उस भीड़ में रेड ने ये काम किया है, इसका क्या सबूत है आपके पास? ये कौन से गांव में हो रहा है, हमें खबर नहीं है, वरना हम उसकी मदद करते। आदि को कातिल कह रहे हैं ये लोग। अभी तक हमारे लेखक की कोई जानकारी नहीं मिली है सर। सर बहुत सारे पाठकों के फोन आ रहे हैं, खत आ रहे हैं कि आदि है कौन, किस गांव का है, उसका पता लगाना होगा। अरे अब आदि का कैसे पता लगाएंगे? कौन है, किस गांव का है, मैं देख लूंगा। सर हमारे पास जो डिटेल्स है वो पुलिस को इत्तला कर दे। तुम नो, पत्रकार कुछ भी कर सकता है, करके दिखाना है, ये एक जर्नलिस्ट तहकीकात का काम है। हाँ 48 आवर्स, सिर्फ 2 दिन, 2 डेज। मैं क्या समझे? आदि पूर्णिमा के याद में दीवाना,
मैं इनको हर हाल में एक करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। अकबर के घोड़ों के कदमों से उठी हुई धूल नौजवानों की जंग का है ऐलान। शाम होते ही मंत्रियों की बैठक, प्रेमियों की उमंग को दबाने की कोशिश, मदहोश करता ये महानगर सांझ को गुलाब की तरह महक उठा। ये मदुराई है। सर, आप किसे मदुराई कह रहे हैं सर? प्यार, खुशी, नफरत और जंग, ये तीन लफ्ज तो पहले ही लिख लिए हैं। सारे पाठक वैसे है कहा? सर, तिरुपति घूमने के लिए गए हैं। सबको मदुराई आने को कहो। लेकिन वहां क्यों सर? माता रानी के दर्शन के लिए। सब शांत हो जाओ। जहाँ ये कहानी घट रही है वो जगह ही मदुरई। हम जो भी पाठक हैं, हम सभी को पूर्णिमा और आदि को देखने के लिए मदुरई बुलाया गया है। ये हमारे आनंद विकड़िन में कहानी के तौर पर आ रही है, लेकिन ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। अब बीच में ही कहानी रुक जाने की वजह से पाठक पूछते हैं कौन सी जगह है, कौन सी जगह है ये। इस बात का जवाब हासिल करने के लिए मैं मदुरई आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप सच कह रहे हैं या कहानी बना रहे हैं? विश्वास नहीं हो रहा सर। हमारे सर के पास भला वुमेन्स हीरा, फेमिना, मिस इंडिया, आनंद, विजडम, ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है। इनकी दुनिया तो बस ऑफिस और कंप्यूटर। सर, आपको क्या मदद चाहिए, बोलिए सर। कोई बात नहीं सर, छोटी सी उम्र में हमारे आदि को उसकी प्यारी माँ गली के नुक्कड़ पर झूले पर झूलता छोड़कर चली गई। अच्छा, तो कोई ना चलने वाला रथ है यहाँ? जी, चार पांच हैं। 30 सालों से एक ही जगह पे खड़ा रथ? वो पांडियन की मूर्ति के पास है। यस, वही, मैं वही सोच रहा था। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आपके आदि वहां होंगे क्या? जहां रथ है वही होगा हीरो हमारा। इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि। एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम सिद्धार्थ बासु है, आनंद वेगड़म से। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर। यहीं रहकर लेखक मनी मेघले एक कहानी लिख रहे थे, समझा ना? यहाँ इस रथ को उन्होंने अपनी माँ का दर्जा दिया था, ऐसा कुछ लिखा था। ऐसे किसी को आप जानते हैं? नहीं जानता। मैं पूछ रहा हूँ ना, कदा कहेगा सर। क्या है कि वो एक लड़की से हद से ज्यादा मोहब्बत करते थे, उसके लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, उसे पढ़ने के लिए अमेरिका तक भेज दिया उन्होंने। ऐसे किसी आदमी को जानते हो आप? ऐसे ही अल्फाज बोला करते थे वो। वो भी मैं नहीं हूँ, आदि भी मैं नहीं हूँ। सर, 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 सुनो, पुलिस स्टेशन कहाँ है? उसके पास जादुई आंखें हैं ना? भैया, गायत्री से शादी करने वाले लड़के के रिश्तेदार मिले, उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो लोग पूछताछ करने आया है। मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस वो खुश रहे। ए, तू रो क्यों रही है? तूने उस लड़के को देखा है और तुझे पसंद है ना वो? मैंने नहीं देखा, पर उन्होंने मुझे देखा है। गायत्री, तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं तो अपने भाई से तुरंत कह दो ना। सुना है वो बहुत रईस है, इसीलिए तू उससे शादी कर रही है? मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ,
मैं आनंद विकड़न से। नमस्कार। माफ करना, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, इंटरव्यू नहीं दे सकता। इंटरव्यू वगैरह नहीं चाहिए। ये बताइए, बीच सड़क पे किसी को जलाकर मारने की कोई शिकायत आई आपके पास? कौन क्या क्या याद रखता है, यहाँ हर रोज मरते हैं, हर रोज जलते हैं, क्या क्या बताऊँ मैं सर, जुर्म बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, मैं जो पूछ रहा हूँ वो उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो 45 साल शायद किसी औरत के बारे में पूछ रहा है सर। आप किसी औरत के बारे में पूछ रहे हैं? देखिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो आदमी है, आप समझ नहीं रहे हो। मैं क्या पूछ रहा हूँ ये समझ नहीं रहे सर? प्लीज सर, आप बैठिए, 10 मिनट में बताता हूँ सर। प्लीज सर बैठिए सर। कौन क्या क्या करता है सब बताता हूँ सर। आनंदपुर पुलिस स्टेशन, मणिरत्नम है क्या? हाँ हाँ, नारायण सर, उस आदमी का नाम नारायण है। नारायण मणिवास अधम, आपका नारायण मेरा मणिवास अधम है, जो चना बेचता था, चने के साथ चाय भी बेचता था। तो वो लड़की भी अमेरिका? अभी अमेरिका से आई है। वही बात भाई, उसका कोई खिलाड़ी है, कोई स्पोर्ट्स खेलता है, किसी क्रिकेट खेलता है, बहुत कमाल है सर। यस, नारायण को जलाने के जुर्म में किसे गिरफ्तार किया था? रेड अभी भी पुलिस स्टेशन में है। गलती कर दी आपने, कलीवर्धन को गिरफ्तार करना था। कंफ्यूज कर रहे हैं आप, कौन है कलीवर्धन? ये MLA इलेक्शन से लेकर MP इलेक्शन तक हारने वाला, गैम्बलिंग से ब्लैक मार्केटिंग तक सारे बुरे काम करने वाला, उसकी 5 बीवियां हैं सर। उसका नाम सिंधी है सर। गिरफ्तार कीजिए उसे। नहीं नहीं सर, वो बहुत बड़ा आदमी है सर, ऐसे उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर ऊपर से फोन आया तो? फिर तो हो जाएगा सर। तुम लोग मेरे साथ बहुत रहे, अब तुम लोग कहीं चले जाओ। क्या कहा, कहीं चला जाऊं? आप भी और ये सब भी, यहां से कहीं चले जाओ। तुम लोग कोई अच्छा सा धंधा करो और सुकून से जियो। और हां, जाते वक्त ये मूर्ति को भी लेकर जाओ। भैया, ये परमय भी मेरी तरह यतीम है, इसे भी लेकर जाओ। नहीं होगा। मैंने कहा जाओ तो जाओ, पहले जैसा यहां नहीं रह सकते, यहां सिर्फ बेइज्जती है। वो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी वजह से आप क्यों? बस आप लोग यहां से जाओ। जाओ जाओ, कहां चला जाऊं मैं? मेरी लाश ही जाएगी, पता है तुम्हें? हम 5 लोग एक साथ रहते हैं, हम में से कोई भी मरा तो 4 लोग जनाजा उठाएंगे, बीच में कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई आएगा भी नहीं। अरे इतने प्यार से कौन मुझे भैया कहकर बुलाएगा? बोलो, तुमने मुझे इतना खुद घर समझ रखा है कि हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे? रेड, मैं तुम्हारी जात वाला हूं, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, सब कुछ जानते हुए भी चले जाने को कह रहा। मैं तुमको छोड़कर जाऊंगा तो बाहर जाते ही जहर पीकर खुद की जान ले लूंगा मैं, लेकिन कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है सब लोग मुझे दफनाने को कहेंगे ना, लेकिन तुम मुझे जला देना रेड, जला कर मेरी अस्थि को अपने आंगन में डाल देना। तुम जब भी चलोगे ना, तब मेरी राख तुम्हारे पैर के साथ होगी। इसके साथ जा, उसके साथ जा मत कहो, मेरे साथ रहो ऐसा कहो। मैं तो ठहरा यतीम, मुझे देखने के लिए भी कोई नहीं है। ए, चुप कर, हम साथ रहेंगे और साथ मरेंगे, समझ गया? रेड, हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, अपने माथे पर लगे हुए दाग को तुम्हें मिटाना होगा, तभी हम यहाँ से जाएंगे। एक दिन के लिए नहीं, सिर्फ 1 सेकंड के लिए पुराने रेड बन जाओ, और जिसने तुम्हारी बेइज्जती की उन सभी को तुम अपना जलवा दिखा दो। सही कहा, हमारे दोस्त नारायण को सिंधी ने जान से मार डाला, उस सिंधी को एक ही बार में खत्म करते हैं, चाहे हम रहे या ना रहे, उसके खून का इल्जाम हम अपने सर पर लेकर हम सलाखों के पीछे चले जाएंगे। ये ठीक कह रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। गायत्री की शादी होने से पहले नारायण के खून के बारे में
सिंधी को आकर बोलना होगा कि ये खून मैंने किया है। उसके बाद हम सब यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे। हम चले जाएंगे। ये देखिए यही सिंधी है सर। सर लेखक ने बोला इसे देखने के लिए, लेकिन ये तो मेरे पड़े हैं। अरे जो काम होने वाला है उसे देख। कांस्टेबल जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करके बुलाओ। अरे मनी भाई आप यहाँ कैसे? सच बोलने की कोशिश की तो मुझे सिंधी ने बंद कर दिया यहाँ पर, और आनंद ने भी उसका साथ दिया। अच्छा अच्छा, और वैसे कलिवर्धन का क्या हुआ? सर पहले हमें गायत्री की शादी को रोकना होगा। ठीक है, शादी है कहाँ? विजय विवाह मंडप में।
ठीक है आप आइए। हेलो हेलो। हाँ सभी पाठकों को लेकर शादी के मंडप में पहुंचो। हाँ हाँ ठीक है सर मैं भेजता हूँ। क्या हुआ भाई? लेखक ने सभी पाठकों को विजय विवाह मंडप में बुलाया है। सभी पाठक शादी के मंडप में आ रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए आइए। यही है गायत्री हमारे खुशे की पूर्णिमा। हम कौन है आप नहीं जानती पर विकटन में आने वाला रेड का नाम आदि और गायत्री का नाम बदलकर पूर्णिमा रखने वाला तुम्हारे बारे में कहानी लिखने वाला राइटर मैं हूँ। आनंद विक्रम सिर्फ 6 रुपए का पर उसके अंदर रेड और तुम्हारे बारे में पढ़ने वाले लाखों लोगों की जान उसी के अंदर है। ये तुम्हें नहीं पता होगा। तुम जान गई होगी ये सब कौन है। आनंद विक्रम ये कहानी पढ़कर सच को बयां करने के लिए ये सब लोग यहाँ आए हैं। पिछले साल मई के महीने में रेड का पीछा जब पुलिस कर रही थी तो वो तुमसे टकराया। पहली नजर में तुमसे मोहब्बत हो गई। ये सभी लोग जानते हैं। ये लोग यहाँ खड़े हैं। तुम चाहो तो पूछ सकती हो। मैडम मेरे घर में बहुत गंदगी है और मैं यहाँ शांति से नहीं रह पाऊंगी। यही कहा था ना मैंने कहानी को पढ़ा था। उस कैरेक्टर का नाम है कुमरा शाह और हकीकत में उसका नाम है कुंती जिसे सिर्फ तुम्हारी वजह से बीच सड़क पर बुरी तरह से मार के भगाया गया। ये सब करने वाला हमारा आदि और तुम्हारा रेड था। हॉस्पिटल तोड़ दिया करके अब सोच रहे हो कि ये सब गलत है। अगर उस दिन रेड नहीं आता तो आपकी बहन की किडनी निकाल कर वो डॉक्टर बेच देता था। आज आपकी बहन जिंदा है तो सिर्फ रेड की वजह से। क्रिकेट में जगह नहीं मिली तो तुम्हारा भाई रो रहा था। अगर वो बड़ा खिलाड़ी है तो जानती हो किसकी वजह से? सिर्फ आदि की वजह से। हमारा आदि तुम्हारा रेड। तुम्हारा अमेरिका जाकर पढ़ने का ख्वाब था इसलिए उसने जान से प्यारे घर को बेचकर तुम्हारे वालिद को लाखों रुपए दिए थे और खुद सड़क पर सोता रहा और इसका तुम्हें एहसास भी नहीं होने दिया। तुमने खुद कहा था तुम्हें रेड का रिश्ता मंजूर नहीं लेकिन तुम्हारा खिलाड़ी भाई रेड से कहता है कि जिस अंपायर ने मुझे गलत आउट दिया उसका हाथ काट दो लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानती हो उसकी वजह कौन था? तुम। सीधे साधे इंसान बनकर जियो ये कहकर तुम तो अमेरिका चली गई लेकिन यहां क्या हुआ ये तुम क्या जानो। सारथी यहां अपाइज हो गया। उसका छोटा भाई चाय की टपरी पर काम करता है। मुरली और उसके दोस्तों को एक वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही थी। ये सब क्यों हुआ जरा सोच कर देखो। रेड तुम्हें दिलो जान से प्यार करता है ये सच है और इस सच को जानने वाले बस दो ही गवाह थे। एक तो था नारायण और दूसरा तुम्हारे घर आए गुलाब के फूल। और कोई गवाह है? हम हैं। तुमने देखा ना मेरी कहानी पढ़ने वाले गवाह हैं। ये सच है और तुम्हें रेड को अपनाना होगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जिंदगी देने वाले को तुमने खूनी समझा। आज मुंबई में रहने वाले हर एक यतीम और बेसहारा का वो वालिदा है। तुमने उसे तब्दील होने के लिए कहा ये नहीं हो सकता और अगर हो गया तो मैं भी कहता हूं कि सच्चाई मर जाएगी। किसी के निजी मामले में हम पत्रकार लोग बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करते और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता कि तुम सिर्फ उसी से शादी करो लेकिन रेड एक अच्छा इंसान है। तुम्हें कितना चाहता है जानती हो तुम? आज अगर तुमने किसी और के साथ शादी कर लिया तो मैं कह रहा हूं कि मेरा लिखा हुआ आदि रेड जिंदा नहीं बचेगा। चलो रेड तुमसे मोहब्बत करता है ऐसा उसने मुझसे कभी नहीं कहा। तुम्हारे पिता नारायण पर वो जान छिड़कता था फिर वो नारायण को क्यों मारेगा? तुम्हारे भाई ने शिकायत की ठीक है लेकिन तुमने उस पर यकीन कर लिया। मेरी बात गौर से सुनो। तुम जिसे गुंडा समझती हो उस रेड के लिए सिर्फ ये जान की लड़ेगी। अगर तुम फिर भी नहीं समझी तो ठीक है।
हमारी बात मान जाओ, हटो, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम हैं ना, चलो मेरी बात मान जाओ, रेड, रेड, रेड मेरी बात मान जाओ, ए ऊपर वाले, चलो, रेड अपना ये बेशकीमती अश्क बताओ लेखक ने तो हकीकत ही लिख डाली, मगर उनके असिस्टेंट ने उनका मन बदलने के लिए उन्हें कमरे में बंद कर दिया था और गायत्री को इस सच्चाई के बारे में पता नहीं चलने दिया। नहीं नहीं नहीं, अब कोई सवाल नहीं, प्लीज, बस बहुत हो गया, अब कोई सवाल नहीं, प्लीज, डोंट क्वेश्चन। हाँ, हाँ उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है, हाँ जाइए जाइए।